वापिस दोबारा इसको पर आ जाए। अच्छा जी, नाउ यू कैन सी ए प्रिंटेड पेज ऑन योर लैपटॉप्स और मोबाइल्स, जो भी है। मैंने अखबार बुक से एक पेज जो है वो प्रिंट निकाल के कॉपी लेके उसकी इसमें ऐड किया है। आप इसमें देखिए, थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर का कुछ 16 बिट का प्रोसेसर, विच स्टार्ट फ्रॉम 886 और उसका नेक्स्ट वर्जन जो है वो 286, जो 1982 में लॉन्च हुआ था। तो जो मैंने एक हाथ से मैनुअल से टेबल से बनाया हुआ था ना, तो ये आप समझे कि उसका एक प्रिंटेड फॉर्म है। तो जिसमें पार्ट नंबर कौन सा है प्रोडक्ट, और उसका ईयर कौन सा है, और डाई साइज क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ पिन कितनी है, लेटेंसी क्लॉक कितनी है, और बस विड्थ और क्लॉक रेट और बैंड विड्थ और वगैरह वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें जमा की हुई। तो इसमें आप देखें कि ऊपर जो टॉप पे लिखा हुआ है, नंबर 1 16 बिट एड्रेस बस माइक्रो कोडेड, तो ये इंटेल 286 है जो 1982 में लॉन्च हुआ, जबकि इसके मुकाबले में 886 गालबन 78 में लॉन्च हुआ था, करीबन 4 साल पहले। तो ये कुछ डिस्कशन हमने पहले भी पिछले लेक्चर में की थी कि इंटेल ने ये डिसाइड किया था कि जो 886 का आर्किटेक्चर है उसको जितने भी लेटेस्ट प्रोसेसर्स बनेंगे उसमें गोया प्रिजर्व रखा जाएगा, जिसमें उसका हार्डवेयर आर्किटेक्चर, जिसमें उसकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, वो सारी की सारी रिजर्व होंगी, ताकि वो एप्लीकेशंस जो एंड यूजर्स ने 886 के ऊपर तैयार की थी, तो बाद के लेटेस्ट प्रोसेसर्स के ऊपर भी वो एप्लीकेशन एज इट इज उसी तरह चलती रहें, और उनको उसके ऊपर जो है वो गोया परेशानी ना हो कि पूरा कोड दोबारा लिखना पड़ेगा, पूरा सॉफ्टवेयर दोबारा डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सारी जो है वो गोया मुश्किल जो है वो उनसे उनको निजात मिले। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इन्वेंशन थी वो 85 की थी, विच इज 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर 386, और उसके 4 साल के बाद जो है 486, और 486 में जो आप देखें ऊपर लिखा हुआ है 5 स्टेज पाइपलाइन और ऑन चिप IND कैशेस और FPU, जो उसका प्रोसेसर यूनिट है डिस्प्ले के लिए। तो फिर उसके बाद 2 वे सुपर स्केलर 64 बिट बस इन प्रोसेसर 93 में, और उसके आगे आउट ऑफ ऑर्डर 3 वे सुपर स्केलर इंटेल पेंटियम प्रो। यहाँ एक लफ्ज लिखा हुआ नजर आ रहा है आउट ऑफ ऑर्डर, तो एनीवन हैव आइडिया कि आउट ऑफ ऑर्डर क्या चीज हो सकती है? एक तो आउट ऑफ ऑर्डर होता है जिसे कहते हैं चीज खराब हो गई, आउट ऑफ ऑर्डर। यहाँ आउट ऑफ ऑर्डर का तर्जुमा ये नहीं है। एनीवन जिसने कोई बात सुनी हो, कभी पढ़ी हो कि आउट ऑफ ऑर्डर 3 वे सुपर स्केलर, इसका तर्जुमा क्या बनता है? मास्टर बोलते रहा करो ताकि लगे मैं दीवानों को नहीं सुना रहा। नहीं सुना है सर। नहीं सुना? ओके, तो मैंने दोहराया आपके सामने कि सुपर स्केलर आर्किटेक्चर, और सुपर स्केलर आर्किटेक्चर का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि मोर देन वन CPU इन ए सिंगल माइक्रो प्रोसेसर। ठीक हो गया। इसका मतलब ये कि जब भी बस साइकिल चलेगा, बस साइकिल के साथ एक वक्त में एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस पैरेलल एग्जीक्यूट हो रही हों। अब जब माइक्रो प्रोसेसर सीक्वेंस से चलता है तो वो क्या करता है कि वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो एक सीक्वेंस से लिखी हुई होती हैं, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड ऑनवर्ड, तो वो इंस्ट्रक्शंस को उठा के और रन टाइम के ऊपर एग्जामिन करता है कि फॉर एग्जांपल अगर 3 CPU हैं तो पहली 3 इंस्ट्रक्शन पर देखता है कि इन पहली 3 इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल एग्जीक्यूट किया जा सकता है या नहीं। अगर किया जा सकता है तो उन तीनों इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन CPU 1 में 2 में 3 में सीक्वेंस से जो है वो फॉरवर्ड कर देता है, और एक बस साइकिल में तीनों इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होकर उनका रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। गोया एक बस साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन के बजाय 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाते। ठीक है,
लेकिन इसमें शर्त ये है कि उन इंस्ट्रक्शंस की एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंसीज ना हो। इंटरडिपेंडेंसीज का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे एक इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो बी और सी का जो रिजल्ट है वो ए में आएगा, और अगली इंस्ट्रक्शन में जो है वो फॉर एग्जाम्पल ए को इस्तेमाल करके हम कुछ और बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डी इज इक्वल टू एस ए प्लस समथिंग या ए स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब ये है कि पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, उससे ए का रिजल्ट डिटरमिन होगा, फिर वो जो ए की वैल्यू है वो किसी अगली इंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की जा सकती है, वरना वो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले ए की वैल्यू नई वैल्यू अवेलेबल ही नहीं होगी। तो रन टाइम के ऊपर जो है वो प्रोसेसर ये चेक करता है कि जो इंस्ट्रक्शन पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकती हैं, जिनकी एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंसीज नहीं है, तो फिर तो वो उनको पैरेलल एग्जीक्यूट करवाता है, लेकिन अगर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो तो फिर वो पैरेलल एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता। फिर उस सूरत में उसको एक इंस्ट्रक्शन गुजारनी पड़ेगी और उसका रिजल्ट आएगा, फिर वो अगली इंस्ट्रक्शन में उसका रिजल्ट यूज हो रहा होगा, तो उसके मुताबिक फिर अगली इंस्ट्रक्शन चलेगी। ये जो लफ्ज लिखा हुआ है आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर जो है इसका तर्जमा ये है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा कि रन टाइम के ऊपर इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा। फॉर एग्जांपल तीन सीपीयूज हैं और तीन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो सकती हैं, तो वो एग्जामिन करेगा कि अगर पहली तीन इंटरडिपेंडेंट हैं और वो पैरेलल एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, तो वो उनसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को देखेगा कि अगर उनको एग्जीक्यूट करने से जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है उसमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल पहली को छोड़ दिया, दूसरी को उठा लिया, तीसरी को छोड़ दिया, चौथी को उठा लिया, पांचवी को उठा लिया, और उनको पैरेलल एग्जीक्यूट करवा के उनके रिजल्ट निकाल लिए, फिर अगली गो में जो है वो लड़ से पहली को देख लिया। तो आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शंस जिस सीक्वेंस में लिखी हुई हैं उनकी सीक्वेंस को ब्रेक करके आउट ऑफ सीक्वेंस या आउट ऑफ ऑर्डर भी पैरेलल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, ताकि जो पैरेलल ऑपरेशन के बेनिफिट्स हैं कि एक गो में एक बस साइकिल में एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो सकती हैं उसका हम बढ़ा सके। तो इनिशियली जो इंटेल का पेंटियम था जिसमें ये सुपर स्केलर का कॉन्सेप्ट जो है वो गोया लॉन्च किया गया था और दो सीपीयूज जो है वो पैरेलल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए डेवलप किए गए थे, उस वक्त जो है वो ये पैरेलल प्रॉब्लम मौजूद थी कि अगर इंस्ट्रक्शन उससे नकली इंस्ट्रक्शन अगर जो है वो आवाज गायब हो गई। ये मेरी आवाज बीच में गायब हो गई थी। यस सर फिर आ गई है दोबारा। हेलो, ये मेरी आवाज दोबारा आ गई। यस सर आ गई है। चलो ओके, तो मैं आपसे क्या कह रहा था ताकि मैं वहीं पर दोबारा शुरू करूं। ये आउट ऑफ ऑर्डर को लिबरेट कर रहा था कि आउट ऑफ ऑर्डर, ये आउट ऑफ ऑर्डर थ्री वे सुपर स्केलर में इसकी वजाहत कर रहा था। तो एनीवन रिमेम्बर क्या कहां बार आवाज ब्रेक हुई? सर आप बता रहे थे कि अगर हम दो सीपीयू को पैरेलली, एनीवन रिमेम्बर कि जब मेरी बात आवाज जी बोलो, सर आप बता रहे थे कि अगर हम दो सीपीयू को पैरेलली बताएं और डिफरेंट इंस्ट्रक्शन। यस सर, मुझे तो ये करना चाहिए।
जी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आ रही है। असल में मैं बोल मोबाइल पे रहा था और लैपटॉप मैंने अलग से ऑन किया हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि मोबाइल मेरा जो है ना बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है किसी वजह से। मैंने उसको वहाँ से बंद कर दिया और मीटिंग दोबारा जो है वो लैपटॉप से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। ओके बड़ा बड़ा करें। तो आपसे ये बात हो, कौन इसको एलैबोरेट करेगा कि क्या बात हुई थी अभी? एनी वन, चूंकि बार बार ब्रेक हो रहा था इसलिए मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि आपने आखिरी बात क्या सुनी, उससे आगे फिर कंटिन्यू करें। सर आप आउट ऑफ ऑर्डर से स्टार्ट करवा दें, वो फ्लो बन जाएगा फिर। ओके ओके ओके। तो 1993 में इंटेल पेंटियम का प्रोसेसर लॉन्च किया गया, विच वाज 64 बिट बस, जिसकी डाटा बस 64 थी, साइज की थी। और उसमें जो है वो टू वे सुपर स्केलर आर्किटेक्चर, जिसमें दो पैरेलल सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मौजूद थे, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो इनिशियली लॉन्च किया गया। और इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि माइक्रो प्रोसेसर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो नॉर्मल सीक्वेंस ये होती है कि जो आपके प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस होती हैं पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो ऑर्डर में वो फॉर एग्जाम्पल पहली दो इंस्ट्रक्शंस को उठाएगा और उनको चेक करेगा कि उनमें आपस में इंटरडिपेंडेंसीज तो नहीं हैं। अगर वो नहीं होंगी तो उन दोनों इंस्ट्रक्शंस को, एक को सीपीयू वन में पास कर देगा, दूसरे को सीपीयू टू में पास कर देगा, और दोनों इंस्ट्रक्शंस एक ही बस साइकिल में एग्जीक्यूट होके दो रिजल्ट्स प्रोड्यूस। इस तरह से गोया हम ओवरऑल देखेंगे कि जो माइक्रो प्रोसेसर की सॉर्ट ऑफ एफिशिएंसी है या थ्रूपुट है वो बिल्कुल डबल हो गई, एक वक्त में एक से ज़्यादा यानी कि दो दो इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। और फिर उसके बाद पेंटियम प्रो में, पेंटियम फोर में फिर के बजाय तीन सीपीयू जो है वो पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए माइक्रो प्रोसेसर में डेवलप किए गए, कि जिनमें एक ही वक्त में तीन तीन इंस्ट्रक्शन पैरेलल एक ही बस साइकिल में एग्जीक्यूट हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही एक आउट ऑफ ऑर्डर का जो है कॉन्सेप्ट वो भी बीच में जो है वो डिज़ाइन किया गया। वो आउट ऑफ ऑर्डर ये था कि इनिशियली जब ये सुपर स्केलर के कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हुआ और उसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा सीपीयूज जो है वो प्रेजेंट थे और वो एक वक्त में एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते थे, तो उसके साथ ही एक रिस्ट्रिक्शन ये थी कि उन इंस्ट्रक्शंस में ये लाजिम था कि इंस्ट्रक्शन एक जो है वो दूसरी के साथ इंटरडिपेंडेंट ना हो। और इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये है, जिस तरह मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा था, एक इंस्ट्रक्शन है फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, और इसमें बी और सी ऐड होकर इसका रिजल्ट ए में आता है। फॉर एग्जाम्पल इससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऐसी है कि जिसमें ए की वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, फॉर एग्जाम्पल डी इज इक्वल टू ए स्केयर है या स्केयर रूट ऑफ ए है। इसका मतलब ये है कि दूसरी इंस्ट्रक्शन उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक कि ए की वैल्यू डिटरमिन ना हो जाए। जबकि पैरेलल चल रही है तो इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू पैरेलल दूसरे प्रोसेसर में अभी एग्जीक्यूट हो रही है, अभी वो डेवलप नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये दो इंस्ट्रक्शंस पैरेलल एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, उसमें फिर इंतज़ार करना पड़ेगा कि दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जबकि ए की वैल्यू जो है वो डिटर्मिन हो चुकी होगी, कैलकुलेट हो चुकी होगी। तो उस सूरत में फिर जो गोया प्रिंसिपल था वो ये था कि सीक्वेंस से प्रोसेसर चेक करता जाता था और जिन दो दो इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है उनको पैरेलल एग्जीक्यूट करवा लेता था, और जिनको नहीं करवाया जा सकता उनको फिर नहीं करवाता था, और वो फिर सिंगल इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट होती थी। तो इसके ऊपर जो मजीद डेवलपमेंट भी की गई तो उसके ऊपर फिर ये आउट ऑफ ऑर्डर थ्री वे सुपर स्केलर आर्किटेक्चर जो ये डेवलप हुआ, इसमें फिर इस बात की कैपेसिटी डेवलप की गई कि प्रोसेसर क्या करेगा कि रन टाइम के ऊपर
जो इंस्ट्रक्शंस जो है मेमोरी से फेच होके आई हैं उनको जो है वो डिकोड करें और फिर उसमें जो है वो इंटरडिपेंडेंसीज तलाश करें। और अगर फॉर एग्जांपल पहली इंस्ट्रक्शन और दूसरी इंस्ट्रक्शन से पैरेलल एग्जीक्यूट नहीं होती लेकिन पहली के साथ तीसरी हो सकती है, तीसरी के साथ पांचवी हो सकती है, तो वो क्या करेगा कि पहली तीसरी और पांचवी इंस्ट्रक्शन को वो तीन सीपीयू उसको पास कर देगा, वो पैरेलल एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फिर अगली गो में जो वो दूसरी को भी ले लेगा, चौथी को भी ले लेगा, कोई और भी ले लेगा। तो गोया इंस्ट्रक्शन की जो सीक्वेंस देख करके आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी पैरेलल करवाई जा सकती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर थ्री वे सुपर स्केलर आर्किटेक्चर जो कि इंटेल के पेंटियम प्रो में जो है वो डेवलप किया गया और बाद में भी फिर यही चलता रहा आउट ऑफ ऑर्डर सुपर पाइपलाइन ऑन चिप। तो अब सुपर पाइपलाइन में ये था कि जो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, एक कॉन्सेप्ट जो है वो सुपर स्केलर का है और एक पाइपलाइन का है। सुपर स्केलर का कॉन्सेप्ट ये है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हैं और वो पैरेलल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि जितना भी एक एग्जीक्यूशन का मैकेनिज्म है उसको जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में बांट लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने में सबसे पहला जिसमें मेमोरी से या कैश से इंस्ट्रक्शन को रीड करके प्रोसेसर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है उसमें लगाएगा, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप फॉर एग्जांपल हो सकता है डिकोड। डिकोड में ये होगा कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से जो भी इंस्ट्रक्शन के दो बाइट तीन बाइट जितने साइज की भी इंस्ट्रक्शन है उसको प्रोसेसर जो है वो डिकोड करे और ये मालूम करे कि इस इंस्ट्रक्शन से क्या परफॉर्म करवाना है। कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, कोई लॉजिक ऑपरेशन है, कोई एंड और है, कोई जो है वो जंप इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके ये मालूम करना कि इस इंस्ट्रक्शन से परफॉर्म क्या करवाना है, नंबर एक। और नंबर दो, वो किस डाटा एलिमेंट के ऊपर परफॉर्म करवाना है, उसके लिए हमारे प्रोसेसर के इंटरनल रजिस्टर्स इस्तेमाल होंगे या मेमोरी की लोकेशंस इस्तेमाल होंगी। और अगर फॉर एग्जांपल इंटरनल रजिस्टर्स हैं वो तो रेडीली अवेलेबल होंगे, लेकिन अगर जो है वो मेमोरी की लोकेशंस के अंदर डाटा पड़ा हुआ है तो फिर अगर फॉर एग्जांपल ऑपरेंड फेच भी हो सकता है कि जिसमें दोबारा मेमोरी में जाके ऑपरेंड्स को मेमोरी से उठा के लाया जाए। अब जब जो है ये भी मालूम हो गया कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कौन सी करनी है और जो ऑपरेंड्स हैं वो भी अवेलेबल हो गए, तो फिर अगला काम जो है एग्जीक्यूशन का हो सकता है कि जिसमें इस ऑपरेशन को जो आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है उसके थ्रू एग्जीक्यूट करवाया जाए। अब एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट प्रोड्यूस हो गए, तो आखिरी स्टेप ये भी हो सकता है कि ये जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है इसकी डेस्टिनेशन क्या है और उसको कहाँ पर ले जाके स्टोर करना है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मेमोरी में स्टोर करना है तो अगला स्टेप ये होगा कि इसको मेमोरी के अंदर एक राइट बस साइकिल चलाया जाए और इस रिजल्ट को मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाए। तो मैंने आपसे जितनी बात की वो चार पांच स्टेप हो गए, एक फेच हो गया, एक जो है वो इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गया, एक जो है वो ऑपरेंड फेच हो गया, एक जो है एग्जीक्यूशन हो गया, एक जो है वो रिजल्ट राइट बैक हो गया। तो अब क्या करते हैं कि हर स्टेप के बीच में एक गोया एक तरह से रजिस्टर लगा देते हैं, एक फ्लिप फ्लॉप की लेयर लगा देते हैं ताकि एक ऑपरेशन के रिजल्ट जो है वो उस लैच में स्टोर हो जाए और जो है क्लॉक के साथ उसको हम कंट्रोल करते हैं। अब होता यह है कि गोया एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन के पांच स्टेप्स पैरेलल चल रहे होते हैं और इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे मूव कर रही होती है। अब हर इंस्ट्रक्शन इन पांच स्टेप से गुजरती है लेकिन एक वक्त में पांच इंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही होंगी। पहली इंस्ट्रक्शन जो है फॉर एग्जाम्पल अभी फेच के स्टेज में होगी, दूसरी जो है वो डिकोड की स्टेज में होगी, तीसरी उससे अगले स्टेज में होगी, चौथी उससे अगले स्टेज में होगी। अब ओवरऑल ये होगा कि अगर ये सिंगल साइकिल मशीन होती तो उस सूरत में गोया पांच क्लॉक साइकिल गुजरते, उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट आता, फिर पांच क्लॉक साइकिल गुजरते, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट आता। लेकिन इस पाइपलाइन की वजह से क्या होगा कि हर क्लॉक के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट आ रहा होगा, तो गोया आपकी जो स्पीड है या ओवरऑल थ्रूपुट है परफॉर्मेंस वो आपकी पांच गुना हो गई। पहले आपको पांच टाइम फ्रेम के बाद एक रिजल्ट मिलता था, अब आपको हर टाइम फ्रेम में एक रिजल्ट मिल रहा है। तो ये पाइपलाइन का और सुपर स्केलर का दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो ओवरऑल थ्रूपुट की और एफिशिएंसी के बढ़ाने की स्कीम है। जो आपकी सुपर स्केलर है वो ये है कि एक से ज़्यादा सीपीयूज़ हैं जो
पैरेलल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रही है। पाइपलाइन ये है कि ओवरऑल जितने भी आपकी इंस्ट्रक्शन की सीक्वेंस है उसको डिफरेंट स्टेजेस में तकसीम कर दिया और हर क्लॉक के ऊपर एक स्टेज जो है वो ऑपरेट कर रही है, लिहाजा आपने जितनी स्टेज बनाई हैं तो आपको ओवरऑल उसी हिसाब से जो थ्रूपुट है हर क्लॉक साइकिल के ऊपर जो है वो रिजल्ट दे रही होगी। तो बाय दिस वे ओवरऑल जो माइक्रो प्रोसेसर की थ्रूपुट है, एफिशिएंसी है, स्पीड है, उसको इम्प्रूव किया गया है विद डिफरेंट दी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज। अब इसमें आप देखें तो पूरे टेबल में आपको दिख रहा है कि कौन सा प्रोसेसर 82 में लॉन्च हुआ, फिर 85 में लॉन्च हुआ, आखिरी जो इसमें आपको दिख रहा है वो एंटेल का पेंटियम 4 है जो 2001 में लॉन्च हुआ जो है वो तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स में कितना 42,000 नहीं 42,00,000 हो गए और नंबर ऑफ पिन जो है इसमें 423, मैं आखिरी वाला कॉलम देख रहा हूँ 423 हैं और लेटेंसी क्लॉक्स की इसमें 22 है। ये इस बात की है कि इसमें जो एग्जीक्यूशन के लिए कितने नंबर ऑफ क्लॉक्स चाहिए। बस विड्थ इसकी 64 है जो आपकी डेटा बस के बारे में बात है, फायर बस के बारे में बात है और क्लॉक रेट मेगाहर्ट्ज का इसका जो है 1500 मेगाहर्ट्ज तक का प्रोसेसर है और बैंडविड्थ इसकी मिक्स में जिसको हम मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड कहते हैं तो ये आपकी 4500 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है और स्पीड इसकी लेटेंसी जिसको हम नैनो सेकंड कहते हैं तो ये 15 नैनो सेकंड है। 15 नैनो सेकंड का मतलब ये कि इसका जो एक गोया एग्जीक्यूशन का टाइम फ्रेम है वो 15 नैनो सेकंड है। इसको आप कंपेयर करें कि 286 का जो ये लेटेंसी है 320 नैनो सेकंड है तो 320 नैनो सेकंड से पेंटियम 4 तक 15 नैनो सेकंड यू कैन इमेजिन कि कितनी जो है वो स्पीड की इम्प्रूवमेंट हुई। इस लेटेंसी का जो टाइम पीरियड है इसका रेसिप्रोकल ले लें तो उससे आपको इसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से लाइन लगी हुई है और उसके नीचे जो मेमोरी मॉड्यूल्स हैं रैम है जो कि एक्सटर्नल आपकी कंप्यूटर सिस्टम के साथ लगाई जा सकती है उसके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि आपकी इसी ज़माने में जो कि 1980 का ज़माना था तो आपके 16 बिट के मेमोरी चिप्स हुआ करते थे जिसमें आपकी डाटा का साइज 16 बिट हुआ करता था और ये मिलियन बिट्स और डी रैम डायनामिक रैम चिप जो है वो 0.06 मिलियन पर चिप के ऊपर जो है इसकी कैपेसिटी अवेलेबल होती थी। डाई साइज है, पिंस पर डी रैम चिप है, बैंडविड्थ है और अगेन लेटेंसी है कि इसकी स्पीड कितनी होती थी। एक रीड या एक राइट में आपके जो उस ज़माने की रैम थी जो 1980 के ज़माने की उसमें 225 नैनो सेकेंड्स लगते थे और आप राइट साइड पर देखें तो आप देखेंगे कि आप इसमें आपको पेज मोड डी रैम, फास्ट पेज मोड डी रैम और आगे सिंक्रोनस एस डी रैम और डी डी रैम। तो ये आप देखें जो आखिरी कॉलम है इसमें आपको नजर आएगा कि 64 बिट का डाटा है और सन 2000 में ये डेवलप हुई थी और इसमें जो आखिर में लेटेंसी का पैरामीटर है वो 52 नैनो सेकंड है। तो ये 52 नैनो सेकंड टेल्स के भाई आपकी स्पीड जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इसी तरह से रैम से नीचे आप देखें तो अगला जो कॉलम है आपको नजर आएगा ये नीचे, यस, इसके आगे आपको नीचे नजर आएगा लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये आप देखेंगे आपको नजर आएगा ईथरनेट है, फास्ट ईथरनेट है, गीगाबिट ईथरनेट है, 10 गीगाबिट ईथरनेट है जिसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो 802.3 है, 803.3 है, 802.2.3 है। आजकल जो अक्सर आता है वो 802.11 आता है। अपने मोबाइलों के ऊपर भी आप देखें तो जो ईथरनेट की कंपेटिबिलिटी आपको लिखी हुई नज़र आती है 802.11 आती है। ठीक है, तो ये 2003 तक की बात थी जब ये 802.3 था जो 2003 में डेवलप हुआ था और जिसमें जो बैंडविड्थ थी वो 10,000 मेगाबिट्स पर सेकंड थी और लेटेंसी माइक्रो सेकंड में 190 माइक्रो सेकंड थी। ठीक हो गया, इसी तरह से लाइन लगी हुई है उसके नीचे जो हार्ड डिस्क हैं इसके पैरामीटर्स लिखे हुए हैं कि 1983 के ज़माने में 3600 RPM की हार्ड डिस्क थी, उसके बाद सीगेट की 5400 RPM की, 7200 RPM की और 10,000 RPM की और 15,000 RPM की 2003 तक जो हार्ड डिस्क थी उनकी कैपेसिटी और उनकी जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो लिखे हुए हैं। और आप स्पीड भी देखना, सबसे आखिरी जो लाइन है लेटेंसी की ये मिली सेकेंड्स में है। अब आप इस बात पे गौर करें कि ऊपर आपके पास नैनो सेकेंड्स में रैम की स्पीड्स थी जबकि हार्ड डिस्क में आपके पास जो स्पीड मिली सेकेंड है।
आपकी जो है हार्ड डिस्क जो है वो सबसे ज्यादा स्लो है जहां आपका मेन प्रोग्राम पड़ा हुआ होता है। जिसका मतलब ये है कि आपको हार्ड डिस्क से प्रोग्राम लोड करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ये जो कैशे का कॉन्सेप्ट था ये इसीलिए डेवलप हुआ था कि ओवरऑल जो गोया परफॉर्मेंस थी, जो स्पीड थी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की, वहाँ की जो बॉटलनेक बनती थी वो हार्ड डिस्क बनती थी। कि हार्ड डिस्क से जब प्रोग्राम लोड करते थे, इंस्ट्रक्शन लोड करते थे, डाटा लोड करते थे और रिजल्ट वापस जो राइट टाइम खर्च होता था, तो उसके लिए फिर कैश का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि बजाय इसके कि हर इंस्ट्रक्शन के लिए हार्ड डिस्क से डाटा के आने का इंतजार किया जाए, वाई नॉट के इन एडवांस हार्ड डिस्क से कैश मेमोरी के अंदर जो हाई स्पीड मेमोरी है और वो प्रोसेसर के बराबर की स्पीड की मेमोरी है, उसमें जो है वो उन इंस्ट्रक्शंस को, उन डाटा एलिमेंट्स को ला के रख लें। तो उससे फिर ये होता था कि रन टाइम के ऊपर जो है वो हार्ड डिस्क में नहीं जाना पड़ता था, बल्कि कैशे में से इंस्ट्रक्शन रीड होती थी, कैशे में से डाटा एलिमेंट रीड होता है और रिजल्ट भी प्रोड्यूस होने के बाद कैशे में ही जो है वो स्टोर करवाया जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर फिर एक कैश कंट्रोलर लगा हुआ होता है जो है वो कैशे को अपडेट करता रहता है, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी होती है उनको वहाँ से हटा देता है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पुश करके ऊपर ले जाता है, और इस दौरान जो है वो हार्ड डिस्क से नई इंस्ट्रक्शन जो है वो क्यू में ला के लगाता रहता है, और जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको जो है वापस हार्ड डिस्क में पैरेलल स्टोर करवाता रहता है। तो इस तरह से ये कैशे का कॉन्सेप्ट था, ये ओवरऑल जो इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस थी इसको डेवलप करने के लिए जो है वो गोया इम्प्रूव करें। तो ये जो टेबल मैंने आपसे डिस्कस किया ये आपका तकरीबन 1980 से शुरू होके और 2000 तक या 2003 तक ये 20-22 साल का, ये बल्कि लिखा हुआ भी है नीचे फिगर 1.9 परफॉर्मेंस माइलस्टोन्स ओवर 20-25 ईयर्स फॉर माइक्रो प्रोसेसर मेमरी नेटवर्क्स एंड डिस्क। ठीक हो गया। तो यहाँ आके आपके लिए एक असाइनमेंट है विच इज यू कैन से असाइनमेंट नंबर 1 कि 2000 से लेकर और अब 2020 गुजर चुका है, इसमें आ गए हैं, तो पिछले 20 सालों में इन तमाम प्रोसेसर्स में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, हार्ड डिस्क में जो डेवलपमेंट हुई हैं और मेमोरी रैम में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसी तरह का कोई टेबल ढूंढ के ला के तो वो आपने एज ए असाइनमेंट सबमिट करवाना है। नोटेड? यस सर। नोटेड? आवाज नहीं आ रही? यस सर नोटेड। ठीक है, इस बात को नोट कर लें कि जो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने किसी बुक से है, ये आपकी जो माइक्रो प्रोसेसर की बुक है टेबल उसमें मौजूद नहीं था, ये मैंने एक और बुक से ये टेबल जो है वो उसकी इमेज ली है, जिसमें 20 साल का 1980 से लेके 2003 तक का जो इंफॉर्मेशन थी विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट, विद रिस्पेक्ट टू एनहांसमेंट इन द स्पीड इन द डाटा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो इसमें सारा एक टेबल में जमा किया गया है। तो आपने क्या करना है कि अब हम 2021 में बैठे हुए हैं, तो आपने एक असाइनमेंट बनानी है जिसमें आपने समझो सन 2000 से लेके और 2020 तक ये जो 20 साल का स्पैन गुजरा है इसमें माइक्रो प्रोसेसर में, इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, क्या क्या जो है वो अगले प्रोसेसर लॉन्च हुए, उनकी इन्हीं एतबार से क्या क्या जो है वो एक तरह से डोमिनेंट या आपकी कह लें कि सेलियंट फीचर्स थे, तो इसी तरह से जो हार्ड डिस्क है उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो चुकी हुई हैं और जो आपकी रैम है उनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो चुकी हुई हैं, तो इसका आपने एक टेबल की फॉर्म में एक पेज का या दो पेज का असाइनमेंट बना के सबमिट करवाना है इंशाल्लाह अगले वीक। ठीक है, गॉट इट? यस सर इंशाल्लाह। यस सर। आपको अलग से जो है ना वो मैसेज भी कर दूंगा। ये बुक जो है ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर की क्वांटिटेटिव अप्रोच एक बुक है जिससे मैंने ये पेज जो है इसका प्रिंट निकाला था, तो ये बुक जो है वो 2004 की प्रिंट थी इसलिए इसमें इंफॉर्मेशन 2003 तक की जो है मौजूद थी। मुमकिन है इसी बुक का कोई लेटेस्ट प्रिंट हो तो उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन अपडेट भी मिल जाए, अदरवाइज नेट से आप सर्च करेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, आगे चलें। यस सर। यस सर। कोई सारे नहीं जाग सकते तो एक दो जागा करो ताकि मुझे काम करते रहा करो, ताकि मैं अभी जागता रहा हूं ना, मुझे ये ना लगे मैं दीवारों से बातें कर रहा हूं। अच्छा जी, ये वाली जो डायग्राम है आपको अगर इस वक्त नजर आनी शुरू हो गई है, ये मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस की थी
और मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो है पूरा कोर्स है वो इसी डायग्राम के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, और माइक्रो प्रोसेसर है और मेमोरी सिस्टम है और आईओ सिस्टम है। मैंने आपसे डिटेल में पिछली लेक्चर में डिस्कस किया था कि एज ए माइक्रो प्रोसेसर हम 8086 को तफसील से स्टडी करेंगे, उसकी इंस्ट्रक्शंस को स्टडी करेंगे, उसकी पिन आर्किटेक्चर को स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद जो उसके साथ अटैच होने वाली मेमोरी सिस्टम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर उनके साथ जो डिफरेंट टाइप के आईओज हैं जो उसके साथ अटैच हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे कोर्स के लिए बैरी बी ब्रे की बुक है जिसके तकरीबन 14-13 चैप्टर्स हैं जिनमें ये सारे जो एरियाज हैं ये कवर होंगे। और ओवरऑल चूंकि आपके कोर्स का नाम माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर है, लिहाजा तकरीबन आप समझ लें कि 70-80% कोर्स ये है और 20-25% जो पोर्शन आपके कोर्स का है वो माइक्रो कंट्रोलर की स्टडी है। तो एज ए केस स्टडी हम कोई एक माइक्रो कंट्रोलर ले लेंगे, उसकी कोई रेफरेंस बुक, कोई नोट्स, कोई चैप्टर आपको बता देंगे, तो वो भी आपके आखिरी 3-4 जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम स्टडी करेंगे। इससे आपका ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का एरिया है वो ठीक है। अब एक स्टेटमेंट लिखी हुई ऊपर, आप उस स्टेटमेंट को पढ़ें, वो लिखी हुई है $1 million मेन फ्रेम कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1980 इज नॉट एज पावरफुल एज 486 थ्रू P4 कंप्यूटर्स ऑफ टुडे। ठीक है, तो 1980 के जमाने में मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो बनाए जाते थे, और मुझे याद है हम जब यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो एक जो है हमारे पास वैक्स नाम का मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अकेला यूनिवर्सिटी में ख़रीदा गया था, और उसका नाम जो है वो DPC रखा गया था, डाटा प्रोसेसिंग सेंटर, और वहाँ पे जो है उस मेन फ्रेम को इंस्टॉल किया गया था, और उसके साथ गालबन 20-25 जो है वो गोया क्लाइंट यूनिट थे, और हम उसके ऊपर बैठ के जो है वो कुछ प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइजेस किया करते थे, और वो यूनिवर्सिटी का कॉमन डाटा प्रोसेसिंग सेंटर था, उसमें इलेक्ट्रिकल की क्लासें, सिविल की क्लासें, मैकेनिकल की क्लासें, तो वो हमारे जो है टाइम टेबल में एडजस्ट करके तो बारी बारी मौका मिलता था, और उस मेन फ्रेम कंप्यूटर पे जाके हम कुछ फोरट्रान लैंग्वेज में, कुछ बेसिक लैंग्वेज में, तो मुख्तलिफ तरह की जो सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर एक्सरसाइजेस थी वो किया करते थे। ठीक हो गया, तो ये एक स्टेटमेंट है जो ये बता रही है कि वो मेन फ्रेम सिस्टम्स और बाद में जो ये कंपनी थी जो बनाया करती थी मेन फ्रेम, ये डेक थी, DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, इन्होंने फिर जो है मेन फ्रेम बनाना भी बंद कर दिए, इसलिए कि दुनिया में फिर इसकी खपत ही ख़त्म हो गई, और जो डेस्कटॉप्स हैं और बाद में लैपटॉप्स हैं और इवन आजकल के ज़माने में मोबाइल हैं वो इतने पावरफुल हो गए कि हर तरह की प्रोसेसिंग और वीडियो और हर तरह की जो एग्जीक्यूशन और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स वो आप जो है वो इन छोटे सिस्टम्स के ऊपर भी चल सकते हैं। लेकिन हमने जब स्टडी करनी है तो स्टडी में हमने जो है वो ओवरऑल एक मैकेनिज्म को समझना है, एंड अगेन आई रिपीट द स्टेटमेंट कि स्टडी के पर्सपेक्टिव में जितने भी गोया प्रोसेसर की स्टडीज हैं तो वो जो बेस आर्किटेक्चर है 8086 उससे शुरू होती है, क्योंकि अगेन आई रिपीट कि इस बेस आर्किटेक्चर को जो लेटेस्ट तरीन प्रोसेसर है उसके अंदर भी गोया रिवाइव रखा गया है, एक्टिव रखा गया है, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव में कि हाउ प्रोसेसर वर्क्स, हाउ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट्स, हाउ द इंटरफेसिंग इज डन एंड हाउ ऑल दिस मैकेनिज्म वर्क्स टुगेदर, तो ये आपके जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझने के लिए जो लिटरेचर में स्टडी मिलेगी वो 8086 से मिलेगी। उससे फिर आगे डेवलप करके जब आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया और प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का सारा मैकेनिज्म समझ में आ गया, तो फिर उसके बाद जितने मर्जी एडवांस प्रोसेसर पर चले जाएँ फिर उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, इसलिए कि जो कोर कॉन्सेप्ट है कि हाउ माइक्रो प्रोसेसर वर्क्स वो आपने सीख लिया। ठीक हो गया, तो इसीलिए जो 8086 का जो आर्किटेक्चर है, उसका जो ओवरऑल मॉडल है, उसका मेमोरी का सिस्टम है, उसका IOS का सिस्टम है, उसको हम स्टडी करते चले जाते हैं डिफरेंट चैप्टर्स में, और उसके साथ साथ फिर आगे चल के जब हम कोर्स के आखिर में पहुंचेंगे तो मे बी एक लेक्चर में आपको हम ओवरऑल जो एडवांस प्रोसेसर हैं उनका रिव्यू भी करवा दें या आपको असाइनमेंट दे दें ताकि आपको एक थोड़ा सा जो है वो अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि हाउ प्रोसेसर्स वर डेवलप्ड एंड हाउ दे वर इम्प्रूव्ड इन देयर परफॉर्मेंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ
एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म्स। अब इसमें जब आपसे मैंने कहा कि 8086 को एज ए बेस मॉडल जो है वो डेवलप किया गया और उसको फिर मेंटेन रखा गया। अब इस बेस मॉडल में अगेन जब हम पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि जब हम प्रोसेसर्स की रिलेटिव आप कहने की कंपैरिजन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं नंबर एक कि इसके डाटा का साइज़ क्या है, नंबर दो इसके एड्रेसेबल कैपेसिटी कितनी है, और अभी जो मैंने आपको ऊपर टेबल दिखाया था वहाँ भी आपकी जो प्रोसेसर के नाम के बाद जो अगली लाइन थी वो यही थी कि इसकी डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी, इसकी डाटा बस का साइज़ कितना है, विच स्टार्टेड फ्रॉम 16 एंड देन इम्प्रूव टू 32 एंड देन इम्प्रूव टू 64 एंड नाउ इट इज़ मे बी इट इज़ इम्प्रूव टू 128 बिट्स डाटा साइज। तो अगेन आपका जो भी डाटा साइज होगा लेकिन उसमें जो जो एक वर्ड कैपेसिटी है जो एक इसका लीस्ट काउंट है वो बाइट ही है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 16 बिट का मतलब है 2 बाइट और 32 बिट का मतलब है 4 बाइट्स और 64 बिट का मतलब है कि 8 बाइट का डाटा पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकता है या 8 बाइट के प्रोसेसर मौजूद है जो आपके 16 बिट के, 64 बिट के, 32 बिट के और आजकल के ज़माने में 128 बिट के डाटा को आपस में अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिक इंस्ट्रक्शन और डिफरेंट तरह की और भी जो इंस्ट्रक्शन हैं वो उस डाटा के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है उस प्रोसेसर के अंदर। अब अगली चीज़ जो थी वो इसके साथ मेमोरी का मैकेनिज्म था कि हाउ मच मेमोरी इज एड्रेसेबल विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेसर। तो इंटेल के केस में आपके पास जो मेमोरी की एड्रेसेबल स्पेस थी वो 20 थी और 20 का मतलब 2^20, तो 1 MB की जो मेमोरी है वो एड्रेस हो सकती थी, ठीक हो गया। अब ये बात कि 1 MB की मेमोरी जब उस ज़माने में डेवलप हुई और वो उसके ऊपर प्रोग्राम लिखे गए और उसके ऊपर जो है वो एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की गई, कंप्यूटर सिस्टम डेवलप किए गए, तो बहुत जल्दी इस बात का इदराक हो गया कि भाई ये 1 MB की जो मेमोरी है ये तो बहुत थोड़ी है और 1 MB की मेमोरी से जो है वो ऊपर की जो एड्रेस स्पेस है उसकी परमिशन भी, प्रोविजन भी जो है वो प्रोसेसर के अंदर होनी चाहिए। तो 286 प्रोसेसर जो है वो डेवलप किया गया जिसमें जो एड्रेसेबल स्पेस थी वो 24 थी, ठीक है, 24 थी। तो 24 का मतलब है 2^24 कम्स आउट टू बी 16 MB। लेकिन अगेन चूंकि एक बात तय हो चुकी थी कि जो आपका 8086 का मॉडल है जिसमें 1 MB की मेमोरी एड्रेस हो सकती है उसको भी इंटेक्ट रखना है और जो इसके अलावा ऊपर मेमोरी है इसको भी एड्रेसेबल बनाना है, तो उसके लिए जो है फिर एड्रेसिंग स्कीम जो है उसको चेंज किया गया और उसको चेंज करके इस बात का कैपेबल बनाया गया कि जो एंटायर मेमोरी है 1 MB से ऊपर की भी वो भी एड्रेस हो सके और जो लिमिटेशंस 8086 के 1 MB के मॉड्यूल में मौजूद थी उन लिमिटेशंस को भी ओवरकम किया जा सके। अब उनमें से एक लिमिटेशन क्या थी, उसमें से एक लिमिटेशन ये थी कि आपकी मैक्सिमम किसी फाइल की, किसी प्रोग्राम की जो एड्रेसेबल कैपेसिटी है वो 64 KB से ज़्यादा नहीं हो सकती, वो 64 KB से ज़्यादा नहीं हो सकती और ये एक लिमिटेशन बन गई कि इसलिए कि प्रोग्राम ऐसे बनने शुरू हो गए जिनका साइज़ 64 KB से ज़्यादा था। तो फिर अब इस बात की परेशानी भी हुई कि जो एप्लीकेशन 64 KB से ज़्यादा होगी उसको कैसे एड्रेस करें। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स मेमोरी मैनेजमेंट में माइक्रो प्रोसेसर डेवलपर्स को उस ज़माने में नज़र आनी शुरू हुई उन सब को उन्होंने उसको एड्रेस किया और एक नया मेमोरी एड्रेसिंग मैकेनिज़म जो है डेवलप किया और ये मैकेनिज़म जो 8086 में था इसको कहा कि ये रियल मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग मैकेनिज्म है, रियल मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग मैकेनिज्म है। और फिर ये कहा गया कि भाई इसकी कैपेसिटी जो है वो 1 MB मैक्सिमम है, 1 MB तक की मेमोरी जो है वो एड्रेस हो सकती है। अब 1 MB से ऊपर जो मेमोरी होगी हम कहेंगे कि ये एक्सटेंडेड मेमोरी है और उस एक्सटेंडेड मेमोरी में जो गोया एरियाज मौजूद हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म होगा उसका एक नया नाम रखा गया कि ये आपका प्रोटेक्टेड मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग है। तो उसके ज़रिए से 1 MB से ऊपर की जितनी भी एड्रेस स्पेस है जो 286 के ज़माने में सिर्फ जो है 15 MB थी, टोटल 16 MB, उसमें से 1 MB जो बॉटम का निकाल के 15 MB जो आपकी एक्सटेंडेड मेमोरी थी तो वो सारी की सारी एड्रेस हो सके। और जब 386 486 डेवलप हुए तो जो आपकी
गोया एड्रेसेबल कैपेसिटी वो 4 GB तक चली गई, तो 4 GB तक की मेमोरी एड्रेस हो सके तो उसके लिए भी प्रोटेक्टेड मोड, और फिर बाद में जो एड्रेसेबल कैपेसिटी है वो 4 GB से 36 GB तक जो है वो एक्सटेंड हुई, तो वो भी जो है वो गोया उसके अंदर एड्रेस हो सके। तो ये प्रोटेक्टेड मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग है। आज का जो अभी अगले चैप्टर का लेक्चर शुरू होगा उसमें हमारा ये रियल मोड और प्रोटेक्टेड मोड का जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म है इसकी डिटेल भी हम उसको स्टडी करेंगे। तो जो आपका प्राइमरी सेटअप है वो आपकी 1 MB की मेमोरी एड्रेस स्पेस का है, ठीक है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपके सामने एक बात की थी कि 3 तरह की पार्टीज जो है वो कंप्यूटर सिस्टम की डेवलपमेंट में उनकी इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर डेवलपर है, तो इंटेल इज द कंपनी एंड मोटोरोला इज द कंपनी एंड डिफरेंट मैन्युफैक्चरर जिनके हमने पिछले लेक्चर में नाम देखे थे और उनके प्रोडक्ट नंबर देखे थे। तो ये डिफरेंट कंपनीज हैं जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर हैं और ये माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं, ठीक हो गया। दूसरे इसके साथ जो पार्टी है वो इसका प्रोसेसर की मदद से उस प्रोसेसर को एज ए बेस प्रोसेसर लेके जो कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर डेवलप करता है जिसमें मदरबोर्ड है, मेमोरी लगी हुई है, रैम रोम लगी हुई है और डिफरेंट आईओज लगे हुए हैं और सारे उसके सारा मिला के जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है, तो ये हार्डवेयर डेवलपर्स हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। उस ज़माने के अतबार से IBM था जिसका जिसने ये काम किया और उसने जो है कंप्यूटर सिस्टम बनाया। IBM के अलावा जो है वो मैकिंटोश था और बेशुमार कंपनी थी जिन्होंने मुख्तलिफ और प्रोसेसर्स को लेके कंप्यूटर सिस्टम डिवेलप किए, ठीक हो गई। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये थी कि कंप्यूटर सिस्टम्स को अब इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल करने के लिए इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए और इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी जिसने जो है वो उस ज़माने में डॉस के नाम से बाद में विंडोज़ के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए जो इंटेल के प्रोसेसर्स के बेस पर जो है वो जो इंटेल प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स थे उनके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किए जाते थे। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक तरह का रिसोर्स मैनेजर कहलाता है जो कि तमाम प्रोसेसर के जो रिसोर्सेज हैं, मेमोरी है, आईओज हैं, उन सबको मैनेज करता है, उन सबको कंट्रोल करता है, उन सबको ड्राइव करता है और जितनी भी एप्लीकेशन के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है, ठीक हो गया। तो गया 3 चीज़ें मिल के आपका एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है और उसमें फिर यूज़र जो है वो अपने एप्लीकेशन, अपने प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करता है, इंस्टॉल करता है और वो चलाता है। तो आपका जो लिखा हुआ प्रोग्राम होता है वो बराह रास्त कंप्यूटर से बात नहीं करता बल्कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम से जो इंटरेक्ट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस एप्लीकेशन को गोया मशीन से एग्जीक्यूट करवा के जो आपके डिज़ायर रिजल्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। ये एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है जिससे आपके जहन में ये आ जाएगा कि हाउ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स और उसमें कौन कौन से जो है डिफरेंट गोया पार्टनर्स हैं जो मिल के इस सारे सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं और चला रहे हैं। अब इस बात के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इंटेल ने, IBM ने, माइक्रोसॉफ्ट ने जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया तो उसने क्या किया कि जो ओवरऑल 8086 की एड्रेसेबल कैपेसिटी थी जो कि 1 MB थी उसके 2 पोर्शन बनाए, ठीक है। अब अगला जो आपका आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है, ये चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा, मेमोरी एंड आईओ सिस्टम्स, मेमोरी एंड आईओ सिस्टम्स। और इसमें आप देखें आपको नज़र आएगा कि इंटेल ने क्या किया कि ओवरऑल जो मेमोरी थी उसको गोया आप कह लें कि 3 एरियाज़ प्राइमरली 2 एरियाज़ जो कि 8086 के पर्सपेक्टिव में थे तो वो डेवलप किए और उसमें ये किया कि 1 MB की जो टोटल एड्रेसेबल स्पेस थी उसको 2 एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक को कहा TPA ट्रांजिएंट प्रोग्राम एरिया और दूसरे को कहा सिस्टम एरिया। तो ओवरऑल आप ये देखेंगे नीचे आप जो राइट साइड पर डायग्राम है इसमें आपको नज़र आएगा कि ओवरऑल जो 1 MB की एड्रेसेबल स्पेस है इसमें 640 KB जो है उसको कहा कि ये TPA है स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बॉटम 0000 एड्रेस और इसके ऊपर जो है वो 640 KB के ऊपर जो है 384 KB का जो एरिया था इसको कहा कि ये सिस्टम एरिया है और ये टोटल 1 MB की जो है वो कन्वेंशनल मेमोरी थी या आपकी रियल मोड मेमोरी थी जिसके अंदर आपकी 8086 में कैपेसिटी मौजूद थी कि इसके ऊपर 1 MB की
मैक्सिमम मेमोरी लगाई जा सकती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वालों ने, जो IBM था, जो माइक्रोसॉफ्ट था, उसने डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, ये उसका डिज़ाइन था। और उन्होंने ये किया कि उन्होंने ओवरऑल जो मैक्सिमम 1 MB की एड्रेसेबल स्पेस थी, इसको 2 हिस्सों में बांटा। एक को उन्होंने कहा कि TPA है, ट्रांजिट प्रोग्राम एरिया, और एक को कहा उन्होंने कि सिस्टम एरिया है, जो कि 384 KB की स्पेस थी। ठीक हो गया। लेकिन ये हुआ कि इसके साथ साथ जो है प्रोसेसर डेवलप होते गए, और जो है वो 286 बना, 386 बना, जिसमें मेमोरी की जो एड्रेसेबल कैपेसिटी थी वो 1 MB से बढ़ गई, 286 में 15 MB और बढ़ गई, कुल 16 MB हो गई, और 386 में जो है वो 4 GB हो गई, और Pentium में जाके फिर 64 GB की मेमोरी स्पेस हो गई। तो 1 MB से ऊपर जितना भी मेमोरी का एरिया प्रोसेसर के अंदर एड्रेसेबल मौजूद था, उसको फिर जो है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस वालों ने कहा कि ये हमारी एक्सटेंडेड मेमोरी है। तो ओवरऑल फिर गोया हम ये कह सकते हैं कि तीन तरह की जो है वो जो मेमोरी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। प्राइमरीली जो है वो TPA होगा, सबसे बॉटम की लोकेशंस के ऊपर वो ट्रांजिएंट प्रोग्राम एरिया है, उसके ऊपर जो है वो सिस्टम एरिया होगा, और उसके आगे जितनी भी एड्रेसेबल मेमोरी होगी वो फिर आपकी एक्सटेंडेड मेमोरी की कहलाएगी, चाहे वो 15 MB है 286 में, चाहे वो 4 GB है 386 में, पर चाहे वो 64 GB है Pentium में, Pentium 3 में, Pentium 4 में। ठीक हो गया। अब जो ये डिस्ट्रीब्यूशन थी मेमोरी की विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें ये था कि TPA होल्ड्स DOS ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर प्रोग्राम्स टू कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम एंड आल्सो कंटेन्स द करेंटली एक्टिव और इनएक्टिव एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स हैं वो, और जो एप्लीकेशन यूजर एप्लीकेशन की फाइल्स हैं वो, ये सारी की सारी इस TPA का जो फ्रेम है, जो एड्रेसेबल स्पेस है, इसमें जो है वो लोड की जाती है, इसके अंदर लोड की जाती है। और दूसरा जो एरिया सिस्टम एरिया है, इसमें आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो सिस्टम एरिया है इसमें आपके पास, अच्छा इसकी डिटेल आगे दी हुई है, कि जो आपका 640 KB का ट्रांजिएंट प्रोग्राम एरिया है, इसकी मजीद डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दी हुई है। वो आप देखें राइट साइड पे जो ना ये बना हुआ है, एक पूरा टेबल सा, एक पूरी डायग्राम बनी हुई है। इसमें आप देखें सबसे बॉटम पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इंटरप्ट वेक्टर्स। तो बिल्कुल जो बेस एड्रेस है 0000 वाला, वहाँ से लेके 1 KB तक की जो एड्रेस स्पेस है, यहाँ पे इंटरप्ट वेक्टर्स रखे हुए हैं। इसकी डिटेल हम जो है आगे चल के जब वेक्टर्स के इंटरप्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि इन इंटरप्ट्स को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे इनके ज़रिए से जो इंटरप्टिंग डिवाइसेस हैं उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। उसके ऊपर 00400 एड्रेस से लेके ऊपर फिर आगे ये बायोस कम्युनिकेशन है, फिर डॉस कम्युनिकेशन है, फिर IO सिस्टम्स है, फिर MS DOS है, तो यहाँ तक आके फिर ये डिवाइस ड्राइवर्स हैं और कमांड कॉम है। ये आपको जितनी भी 6-7 फाइलें नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें हैं। और इसके ऊपर जो ये सबसे आखिर में लिखा हुआ 08E30, इससे ऊपर से लेके और 9FFF0 तक, ये सारे के सारा गोया ओपन मेमोरी अवेलेबल है, फ्री TPA है। तो जितनी भी यूज़र एप्लीकेशंस होंगी वो मेमोरी के इस पोर्शन में होंगी। तो मेमोरी का सबसे बॉटम के ऊपर वेक्टर टेबल है, उसके ऊपर जो है वो 5-6 ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट फाइलें हैं जिनकी मदद से ये सारी रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो की जाती है। और इसके ऊपर जो है वो फ्री मेमोरी एरिया का स्पेस है, जिसमें आपका जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो लोड किए जाते हैं रन टाइम के ऊपर। और सबसे आखिर में जो है वो 9FFF तक जो है ये MS DOS प्रोग्राम है। तो शुरू की 6 फाइलें भी और आखिर में जो ये आपकी 15-16 लोकेशंस हैं, इनके अंदर भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी एक फाइल MS DOS की मौजूद है। अभी जो आपकी लोकेशन बनती है 9FFF, ये यहाँ तक आपका तकरीबन 640 KB का मेमोरी स्पेस बनता है। इससे ऊपर जब आज जाएंगे तो 800 से लेके तो आपकी फिर आगे टोटल 5F तक जो स्पेस बनेगी तकरीबन 384 KB की, वो फिर कहलाती है सिस्टम एरिया। अभी जितनी भी डिफरेंट तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं तो ये मुख्तलिफ काम करती हैं। और जो बायोस है ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है फॉर IO डिवाइसेस, नॉर्मली रॉम्स और फ्लैशेस को एड्रेस करने के लिए। और डॉस कम्युनिकेशन एरिया कंटेन्स द ट्रांजिएंट प्रोग्राम्स डाटा टू एक्सेस द IO डिवाइसेस इंटरनल फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और IOSys जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, जो कि मेमोरी और उसके जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं और डॉस को कीबोर्ड, डिस्प्ले, प्रिंटर और दूसरी जो IO डिवाइसेस हैं उनसे कम्युनिकेट करवाता है। इसी तरह से
जो और जो एम एस डॉस प्रोग्राम कंट्रोल ऑपरेशन हैं, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो देख रहे होते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स हैं, ये प्रोग्राम हैं, इंस्टॉलेबल प्रोग्राम्स जिसमें आपके माउस के, डिस्किट के, हार्ड डिस्क के, स्कैनर्स के, सीडी रोम्स के जो ड्राइवर प्रोग्राम्स हैं वो लोड किए जाते हैं। ऐसे जो कमांड काम कंट्रोल है जो कि आपकी ऑपरेशंस को जो आप कीबोर्ड के ज़रिए से कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो उसके अंदर कमांड कॉम के अंदर जो है वो इसकी तमाम इंस्ट्रक्शंस। और उस ज़माने में जो था वो ग्राफिक इंटरफेस नहीं था, बल्कि हम टाइप करके कमांड्स लिखते थे और उसको एंटर करते थे और उसके ऊपर जो है वो आपका जो प्रोग्राम है वो आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हुआ करती थी। तो इसके नीचे जो है, इसके ऊपर जो है वो आपका सिस्टम एरिया है। तो 1 मेगाबाइट में से ये शुरू के 640 किलोबाइट जो है वो TPA के लिए थे, और A0000 से लेके FFF तक ये आपकी जो है वो मुख्तलिफ सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए ये मेमोरी के एरिया जो है रिजर्व है, जिसमें से A0000 से लेके C000 तक ये वीडियो रैम है। और वीडियो रैम का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा ये वो होगा कि जिसको आपका जो डिस्प्ले यूनिट है इसमें ट्रांसफ़र करना है। उस ज़माने में मोनोक्रोम होता था या CGA कलर ग्राफिक्स होता था या VGA होता था, वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर होता था। तो जो आपके डिफरेंट तरह के मॉनिटर्स होते थे उनके रिस्पेक्ट से जो इन्फॉर्मेशन उन मॉनिटर्स को ट्रांसफ़र करनी होती थी तो वो रैम के इस हिस्से में जो है वो ट्रांसफ़र की जाती थी, राइट करवाई जाती थी, और यहाँ से फिर पास होके जो है मॉनिटर को जाती थी इन्फॉर्मेशन, ताकि वो जो भी टेक्स्ट है, जो भी वीडियो है वो आपकी मॉनिटर के ऊपर नज़र आए। और इसके ऊपर जो है वो वीडियो बायोस रोम है, हार्ड डिस्क ड्राइवर्स हैं, लैन कंट्रोलर्स ड्राइवर्स हैं। सबसे टॉप के ऊपर जो है वो बायोस रोम है, बीच में कुछ फ्री एरिया भी मौजूद है। तो ये सारी वो थी जिसके अंदर गोया जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं मॉनिटर के एतबार से, हार्ड डिस्क के एतबार से, लैन कंट्रोलर के एतबार से, उनके ड्राइवर्स और उनके प्रोग्राम्स और उनकी डाटा की ट्रांसफ़र के लिए जो मेमोरी की एड्रेस स्पेस थी वो ये सारी कहलाती थी सिस्टम एरिया। तो दिस सिस्टम एरिया कंटेन्स प्रोग्राम्स फॉर वीडियो कंट्रोलर्स, हार्ड डिस्क, लैन कंट्रोलर्स, और बायोस जो है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। और इसमें जो है वो इसमें जो है वो तमाम रैम नहीं होती, कहीं रैम भी होती है, कहीं रोम भी होती है, कहीं फ्लैशेज भी लगी हुई होती हैं अकॉर्डिंगली जहाँ जिस तरह की जो है वो रिक्वायरमेंट हो। तो ये सारे का सारा जो है वो 1 मेगाबाइट का एरिया है, जिसके हमने जो डॉस ने क्या किया कि 2 पार्टीशंस बनाई, एक में ट्रांजिएंट प्रोग्राम एरिया रखा, ऑपरेटिंग सिस्टम रखा, और फ्री स्पेस रखी जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किया जा सकता है। और दूसरा जो है वो सिस्टम एरिया रखा कि उसमें जो है वो जितनी भी कम्युनिकेशन मॉनिटर के साथ होगी, हार्ड डिस्क के थ्रू होगी, तो ये सारी की सारी जो सिस्टम एरिया का जो पोर्शन है ये इस्तेमाल होगा फॉर द मेमोरी ऑपरेशंस। और इस 1 मेगा से ऊपर ये आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है आखिर में 4-5F, तो 5F का मतलब ये है कि हेक्स में देखें तो हर लेटर जो है वो 4 डिजिट का होता है, 4 बाइनरी नंबर्स का होता है, और एफ का मतलब होता है 4-1। तो ये 5F का मतलब ये है कि हर F के बदले में 4-1, तो ये 4×5 ये आपके 20 ones हो गए। तो एड्रेसेबल स्पेस 8086 की कितनी है, 20 बिट की लाइन्स हैं। तो 20 बिट्स की लाइन्स का मतलब ये कि ऑल वन से लेके ऑल जीरोस तक आपकी टोटल 1 मेगाबाइट की एड्रेसेबल स्पेस है। और एड्रेसेस को आमतौर पर हेक्स में लिखते हैं, तो उससे आपको जो है वो उनके एग्जैक्ट एड्रेस जो है वो लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो 8086 में जो टोटल एड्रेसेबल स्पेस थी वो 1 मेगा थी, और डॉस ने क्या किया कि उस 1 मेगा में से, अगेन आई रिपीट, कि 640 किलोबाइट TPA के तौर पे रखा, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं, जिसमें ओपन मेमोरी का एरिया है, जिसमें जो है वो यूज़र एप्लीकेशन जो है वो लोड की जा सकती हैं। और जो टॉप के ऊपर 384 का जो किलोबाइट साइज़ का जो एरिया है मेमोरी का, वो रिजर्व था जहाँ पर आपके जो वीडियो कंट्रोलर्स थे, वीडियो बायोस रोम थी, रैम थी, और टेक्स्ट की जो रैम थी, यहाँ रखी गई थी ताकि जो इन्फॉर्मेशन मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करनी है इस मेमोरी एरिया के थ्रू से गुजर के मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो, और जो हार्ड डिस्क के साथ जो है वो डाटा ट्रांसफ़र करना है वो रैम के इन एड्रेसेस के थ्रू हार्ड डिस्क के अंदर ट्रांसफ़र होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लें, यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन?
कोई हाँ ना करो भाई साहब ताकि मैं भी जाग जाऊं सर फिर इस जमाने की तो कोई चीज भी उस जमाने में नहीं चल सकती होगी ना क्योंकि 1 मेगा तो उसमें टोटल थी और अब तो एक एप्लीकेशन ही 2-3 मिनिमम 2-3 MB की होती है। जी तो ये भी पिछली 1 मिनट ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि नंबर 1 तो ये लिखा हुआ है ऊपर देखें पहले स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है कि मेमोरी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेल 8086 टू P4 आर सिमिलर विच इंक्लूड्स फर्स्ट पीसी बेस्ड अपॉन 8088 इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM इन 1981 एंड दिस मेमोरी सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स नंबर 1 TPA 640 किलोबाइट नंबर 2 सिस्टम एरिया 384 किलोबाइट्स एंड नंबर 3 XMS एक्सटेंडेड मेमोरी सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल द मेमोरी एड्रेसेबल स्पेस अप टू 4 GB रादर 64 GB। ओवरऑल आपका जो मेमोरी सिस्टम है इसमें एंटायर 4 GB की या 64 GB की जो एड्रेसेबल स्पेस है वो अवेलेबल है इट कैन बी एड्रेस्ड। लेकिन इसमें से जो फर्स्ट 1 MB है विच इज इक्वल टू 8086 माइक्रोप्रोसेसर ये आपका रियल मोड मेमोरी सिस्टम है जिसमें के उस जमाने के अतबार से जो रिसोर्सेस थे और जो प्रोग्राम्स थे और जो सिस्टम्स थे वो डेवलप किए गए। बाद में जब आपके प्रोसेसर्स में एड्रेसेबल कैपेसिटी बढ़ गई तो अगेन उस एड्रेसेबल एक्सटेंडेड कैपेसिटी को कहा गया ये आपकी एक्सटेंडेड मेमोरी है और उस एक्सटेंडेड मेमोरी के जो एड्रेसिंग का मैकेनिज्म था उसको भी फिर इम्प्रूव करके चेंज करके नया बनाया गया। लेकिन जो आपका इनिशियल 1 MB का मॉडल था और उसकी जो एड्रेसिंग स्कीम थी और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको भी एज इट इज इंटैक्ट रखा गया। अगेन आई रिपीट फॉर द कंपेटिबिलिटी इश्यूज ताकि वो एप्लीकेशंस जो उस जमाने में 1980-85 के जमाने में जो 8086 के डेवलपर्स ने डेवलप की थी वो आज के 1920 के 2021 के जमाने की जो सिस्टम्स होंगे उनमें भी एज गुड एज दैट टाइम उसके ऊपर एग्जीक्यूट होंगी वो सारी एप्लीकेशंस क्योंकि उस जमाने की जो एप्लीकेशंस थी जो डेवलप की गई उसमें जो गोया एड्रेसिंग कैपेसिटी थी 1 MB थी और जो आपकी सिस्टम के फॉर्मेट से या जो इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट से वो 16-bit इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट से। तो आज से 40 साल पहले जिसने 16-bit इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के ऊपर एप्लीकेशन डेवलप की आज भी वो लेटेस्ट तरीन प्रोसेसर के ऊपर उसी तरह चलेगी जिस तरह 40 साल पहले चलती थी और प्लस जितनी आज तक की फिर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है जिसमें आप कह रही हैं कि एक एक एप्लीकेशन जो है कितने कितने गीगाबाइट की होती है तो वो एप्लीकेशन भी उस प्रोसेसर के ऊपर चलेगी अंडर दिस एक्सटेंडेड मेमोरी सिस्टम। पर अभी हम अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें फिर आपके सामने दोनों कंपैरिजन आ जाएंगे कि जो रियल मोड का एड्रेसिंग सिस्टम था वो क्या है और उसके बाद जो फिर प्रोटेक्टेड एड्रेसिंग मोड सिस्टम है वो क्या है जिससे ये 64 GB तक की एंटायर मेमोरी एड्रेस की जा सकती है और एप्लीकेशन का ठीक साइज भी 64 KB से 4 GB या 64 GB तक भी एक्सटेंडेबल हो सकता है। जी एनी अदर क्वेश्चन। नो सर थैंक यू। अच्छा जी ओके। आपको जो ये डायग्राम है मैं दोबारा डायग्राम लेके आता हूँ सामने ये डायग्राम नजर आ रही है आपको दोबारा स्क्रीन के ऊपर अगेन यस सर एक्सटेंड माइक्रो प्रोसेसर की ये डायग्राम है जो आपके इस कोर्स का खुलासा है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है इसकी वर्किंग क्या है इसकी कैपेसिटीज क्या है इसकी इंस्ट्रक्शंस क्या है और माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो मेमोरी सिस्टम है उसकी कैपेसिटी क्या है उसमें किस किस तरह की टाइप्स हैं और नंबर 3 IO सिस्टम जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ अटैच्ड है वो क्या है। ठीक है और यहाँ आपको डायग्राम से भी नज़र आ रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के साथ अलग इंटरेक्ट कर रहा है और IO सिस्टम्स के साथ अलग इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे जो यस ये सर कॉन्सेप्ट है यहाँ से आपको ये बात नज़र आ रही होगी कि माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेसिंग मेमोरी के लिए अलग है और IO डिवाइसेस के लिए अलग है एंड इट इज ऐसे ही है।
8086 के अंदर भी जो मेमोरी के लिए एड्रेसेबल कैपेसिटी थी वो 20 बिट की एड्रेस लाइंस थी, विच इज 2^21 MB टोटल एड्रेसेबल स्पेस, और जो डाटा का साइज था वो 16 बिट का था, डाटा का साइज जो है वो 16 बिट का था। लेकिन जो आईओ सिस्टम्स हैं उनके लिए जो एड्रेसेबल कैपेसिटी थी जो 8086 ने रखी थी वो मैक्सिमम 16 एड्रेस की लाइंस रखी थी, और 16 एड्रेस की लाइंस का मतलब ही 2^16 64 किलोबाइट। तो गोया उस ज़माने में जो 8086 का प्रोसेसर था इसकी जो मेमोरी हैंडलिंग थी वो 1 MB की थी, लेकिन जो आईओ हैंडलिंग थी वो 1 MB की नहीं थी बल्कि वो 64 KB की थी। ठीक होगी बात। और डाटा जो है वो दोनों तरह का अवेलेबल था, 8 बिट का डाटा आईओ सिस्टम के लिए नॉर्मली अवेलेबल था, लेकिन 16 बिट का डाटा भी आईओ सिस्टम्स के लिए अवेलेबल था। तो डाटा जो है वो आईओ के लिए मेमोरी के लिए 16 बिट का अवेलेबल था, लेकिन जो एड्रेसेबल कैपेसिटी थी वो दोनों के लिए डिफरेंट थी, और वो मेमोरी के लिए 1 MB की थी 20 लाइंस, और आईओ के लिए 16 लाइंस थी 64 KB की। अभी जो आपने पिछले स्लाइड में देखा तो आपने देखा कि 286 के लिए एड्रेसिंग कैपेसिटी जो है वो 20 लाइन से 24 लाइंस हो गई, और 486 के लिए आपकी जो मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी है वो आप 24 लाइन से 32 लाइंस हो गई, और बाद में जो पेंटियम के प्रोसेसर्स बने उनमें जो आपकी एड्रेसिंग कैपेसिटी थी वो 32 लाइन से 36 लाइंस हो गई, तो जिससे आपकी मैक्सिमम एड्रेसेबल कैपेसिटी 64 GB हो गई। लेकिन इस सारी मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी की डेवलपमेंट के बावजूद जो आईओ एड्रेस सिस्टम था, जो आईओ की मेमोरी, आईओ की जो गया एड्रेसेबल स्पेस थी, इसको 16 बिट ही रखा गया। गोया 16 बिट मींस 2^16, तो 64 किलोबाइट की जो एड्रेसेबल स्पेस थी वो आईओ सिस्टम्स के लिए अवेलेबल थी। ठीक हो गया। तो ये बात ध्यान में रखें कि जो मेमोरी की एड्रेसिंग कैपेसिटी है वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव हुई, और वो आपकी 1 MB से 16 MB हुई, 16 MB से 24 MB हुई, और 24 MB से 4 GB हुई, 4 GB से 64 GB हुई, लेकिन जो आईओ हैंडलिंग कैपेसिटी है या जो आईओ एड्रेस स्पेस है उसको 64 KB तक ही रखा गया। मुमकिन है आजकल जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं उनकी एड्रेसिंग कैपेसिटी फॉर आईओ डिवाइसेस बढ़ गई हो, मुझे खुद पता नहीं है, आप असाइनमेंट में ढूंढ के लाएंगे तो वहाँ मुझे बता देंगे कि आजकल के जो प्रोसेसर हैं उसमें आईओ हैंडलिंग जो एड्रेसेबल कैपेसिटी है वो कितनी है। तो अब जो ये आईओ डिवाइसेस की एड्रेस स्पेस है इसको गोया अलग से इसका जो है वो आप कहने के मैकेनिज्म है। तो डॉस ने ये किया था जब उस ज़माने में 83-84 के ज़माने में जब ये कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया था, उस ज़माने में 64 KB में से ओनली 1 KB ऑफ एड्रेस स्पेस फॉर द आईओ डिवाइसेस वो यूटिलाइज़ की थी IBM माइक्रोसॉफ्ट ने फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस। तो वो बाकी जो है वो इस्तेमाल नहीं की थी, उस ज़माने में इस्तेमाल नहीं की थी, बाद में फिर इस्तेमाल कर ली होगी। तो ये जो आपको सिस्टम एरिया के बाद अगली चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, इस वक्त आपको ये नज़र आ रही है आईओ स्पेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आ रहा है नज़र आ रहा। तो आईओ डिवाइसेस के लिए जो एड्रेसेबल स्पेस है वो 16 बिट की है, इसलिए आप देखें कि इसमें 4 0 से लेके डायग्राम राइट साइड पे 4F तक आपको एड्रेस के नंबर्स नज़र आ रहे हैं, और 4F तक का मतलब ये है कि 16 1s। ठीक है, तो जो आईओ स्पेस है वो आपकी 64 KB की एड्रेसेबल स्पेस है, और इसमें से भी उस ज़माने में जब IBM ने IBM PC लॉन्च किया था, कंप्यूटर सिस्टम बनाया था, तो उस ज़माने में उन्होंने सिर्फ इस 64 KB में से 1 KB की जो एड्रेस स्पेस थी वो अपने डिफरेंट सिस्टम्स के लिए और आईओ डिवाइसेस के लिए यूटिलाइज़ की थी, और वो जो यूटिलाइज़ की थी और जिन जिन डिवाइसेस के लिए यूटिलाइज़ की थी आज भी वो डिवाइसेस उन्हीं एड्रेसेस के ऊपर कॉन्फ़िगर होती हैं। जो बाद में और नई डिवाइसेस डेवलप हुई हैं वो फिर इस 1 KB से जो ऊपर का एड्रेस एरिया है उसमें जो है प्रोग्राम की गई हैं, लेकिन आज का भी जो लेटेस्ट तरीन सिस्टम होगा उसमें अगर ये डिवाइसेस होंगी तो ये इन्हीं एड्रेसेस के ऊपर कॉन्फ़िगर होंगी,
जो आज से 40 साल पहले IBM ने अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करके इसको डिजाइन किया था। इसमें आप देखें तो आपको नजर आएगा, सबसे पहले बॉटम के ऊपर नजर आ रहा है 40 से लेके 0020 तक, ये DMA है, ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। ये क्या चीज़ है, इसको हम जब IO का एरिया पढ़ेंगे तो पूरा एक चैप्टर है इसके बारे में, हम वहाँ पढ़ेंगे कि ये DMA क्या चीज़ है। इसके ऊपर लिखा हुआ है इंटरप्ट कंट्रोलर, इसके ऊपर लिखा हुआ है 8253 टाइमर, इसके ऊपर लिखा हुआ है 8255 PPI, इसके ऊपर लिखा हुआ है COM2। ठीक है, तो जितनी चीज़ें मैं बॉटम से पढ़ता जा रहा हूँ, ये सारी जब चैप्टर 10 से आगे निकलेंगे 11, 12, 13, 14, तो ये सारी की सारी जो डिफरेंट तरह के IOs हैं, इनको हम इसी बुक के अंदर तफसील से पढ़ेंगे कि इंटरप्ट कंट्रोलर क्या चीज़ है, टाइमर क्या चीज़ है, और PPI जो पैरेलल पेरिफेरल इंटरफेस है, ये क्या चीज़ है। तो ये वो सारी डिवाइसेस थी जो कि IBM के कंपेटेबल थी, और ये IO डिवाइसेस थी, और डिफरेंट IO फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करती हैं, और इनके एड्रेसेस भी जो है वो फिक्स किए गए, और IO एड्रेस स्पेस में से इनके एड्रेसेस अलॉट किए गए। इसके आगे आप देखें COM2 है, COM जो है आपकी सीरियल पोर्ट है, और सबसे ऊपर लिखा हुआ है इन्हीं में से COM1, तो ये COM1 COM2 ये आपकी दो सीरियल पोर्ट्स है जिसके ऊपर आपकी सीरियल कम्युनिकेशन जो है वो परफॉर्म की जाती थी। और इसके ऊपर आप देखें हार्ड डिस्क कंट्रोलर है, LPT ये आपकी पैरेलल पोर्ट है, इसके ऊपर आमतौर पर प्रिंटर जो है वो कनेक्ट किया जाता था, 8 बिट का डाटा पैरेलल ट्रांसफर होता था। इसके ऊपर CGA है, कलर ग्राफिक्स अडाप्टर है, FDD है, फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर है। तो ये वो सारे लेफ्ट साइड पर इनके एड्रेसेस लिखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें COM2 के लेफ्ट साइड पर एड्रेस लिखा हुआ है 02F8, और सबसे ऊपर जो है वो COM1 के ऊपर लिखा हुआ है 03F8। तो जो 8086 के ज़माने में सीरियल कम्युनिकेशन थी COM1 की और COM2 की, वो 3F8 और 2F8 एड्रेसेस के ऊपर थी। आज Core i5 के ऊपर, Core i7 के ऊपर अगर कोई सिस्टम डेवलप होगा और उसमें ये COM1 COM2 की पोर्ट बनाई जाएगी, तो वो आज भी इन्हीं एड्रेसेस के ऊपर होगी। ठीक है, इसके बाद फिर वो COM2 के बाद COM3 COM4 भी डेवलप हुई, फिर आगे नए ज़माने में USB डेवलप हो गई और बहुत सारी बेशुमार नई चीज़ें डेवलप हो गई। उनके लिए फिर ये बॉटम के 1 KB से जो ऊपर का एड्रेस स्पेस था उसको यूटिलाइज किया गया। लेकिन आई रिपीट कि उस ज़माने में जब ये 81-82 के ज़माने में कंप्यूटर सिस्टम बना था 8088 बेस्ड, तो उस ज़माने में 64 KB में से सिर्फ 1 KB का एड्रेस स्पेस इस्तेमाल किया गया था। और उसमें से भी मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशन ये की गई थी कि जो 1 KB में से आधे तकरीबन 512 जो इनिशियल एड्रेसेस हैं, वो जो ऑन सिस्टम डिवाइसेस थी मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई, उनके लिए रखे गए, और जो रिमेनिंग 512 एड्रेसेस थे वो अदर देन द आप कह लें कि मदरबोर्ड जो डिवाइसेस थे उनके लिए रखे गए। मिसाल के तौर पे हार्ड डिस्क बाहर से लगती थी, फ्लॉपी डिस्क बाहर से लगती थी, CD-ROM बाहर से लगती थी, तो इनको जो है फिर वो जो रिमेनिंग 512 एड्रेसेस थे वो दिए गए, और उसी में से कुछ एड्रेसेस जो है वो ओपन छोड़े गए एंड यूज़र के लिए, कि अगर कोई यूज़र अपनी एप्लीकेशन डेवलप करता है और कोई हार्डवेयर माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करता है, उसके लिए भी एड्रेस जो है वो अलॉट किए गए कि उन एड्रेसेस के ऊपर उन अपनी डेवलप्ड IO डिवाइसेस को एंड यूज़र जो है वो कनेक्ट करके माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच कर सकता है। ठीक है, सो IO स्पेस इज द इन इंटेल कंप्यूटर सिस्टम इज 4 0s to 4f 64 KB मैक्सिमम, और IO एरिया कंटेन्स 2 major sections जिसमें 0400 से बिलो जो है ये कंसिडर्ड एज रिजर्व्ड फॉर सिस्टम डिवाइसेस, एंड रिमेनिंग एरिया अबव 0400 इज अवेलेबल फॉर IO स्पेस फॉर एक्सपेंशन ऑन द न्यूर सिस्टम्स। ये जो ओवरऑल एड्रेस स्पेस है, ये जो आपकी कह लें 0000 से लेके 00FF तक, तो आर नॉर्मली यूज फॉर द कंपोनेंट्स डिवाइसेस ऑन द मेन बोर्ड एंड एड्रेस बिटवीन द 100 and 3FF, दीज आर द डिवाइसेस फॉर प्लग इन कार्ड्स। इसके लिए फिर उन्होंने ये किया हुआ था सिस्टम में, अब भी होता है कि IO स्लॉट्स बनी हुई होती हैं, और उन IO स्लॉट्स में जो यूज़र है वो अपने कार्ड्स अपने हार्डवेयर डेवलप करके लगाता है और उनको माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करता है। जी यहाँ तक कुछ सवाल हो तो पूछ लें। नो सर। ये पिछले आप कह लें कि लेक्चर में ये सारा कवर हो जाना चाहिए था, लेकिन पिछले लेक्चर के टाइम फ्रेम कम था इसलिए बात रह गई थी। तो ओवरऑल हम कहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म्स 3 main tasks,
डाटा ट्रांसफर का टास्क है, अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस का टास्क है, और प्रोग्राम फ्लो डिसीजंस का टास्क है। और पावर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज मिप्स मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो 8 बिट का, 16 बिट का, 32 बिट का, 64 बिट का जो है वो हो सकता है। लेकिन अगेन 8 बिट का डाटा जो है वो सिंगल बैंक में होगा, और 16 बिट का डाटा जो है वो दो बैंक्स में होगा, 32 बिट का डाटा जो है वो चार बैंक्स में होगा, और 64 बिट का डाटा जो है वो 8 बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, यस सर। मैं इसको बंद करता हूँ, और जो आज का लेक्चर है गोया, अभी हम जो है अब तक सारा डिस्कस कर रहे थे, पिछला लेक्चर था, तो आज के लेक्चर की जो नोट्स हैं उनको फिर मैं आपके सामने लाता हूँ, तो जिससे आपको अंदाज़ा हो कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। अच्छा जी, ये चैप्टर टू शुरू करने से पहले कोई सवाल हो तो पूछ ले। चैप्टर टू शुरू करने से पहले कोई सवाल हो तो पूछ ले। नो सर। ओके, जरा 5 मिनट की ब्रेक करते हैं, और फिर 5 मिनट के बाद फिर मैं इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करता हूँ। ठीक है सर। चाय मैंने पी ली थी। ठीक है, और जो वो पहले के कल करनी है उसका जी जनाब, मौजूद है या आप भी 5 मिनट की ब्रेक करने निकल गए? क्यों भाई, ये आपके मेरे मुझे इस वक्त जो है 72 पार्टिसिपेंट्स नज़र आ रहे हैं, सारे मौजूद हैं?
Yes, sir. Input online करके गायब हो गए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शाबाश शाबाश शाबाश. Okay, दोबारा आ जाएं लेक्चर के ऊपर. So this is chapter 2, the microprocessor and its architecture. और जिसका सबसे पहला आर्टिकल है प्रोग्रामिंग मॉडल. ओके, प्रोग्रामिंग मॉडल से मुराद ये है कि माइक्रोप्रोसेसर के अंदर कितनी तरह के डिफरेंट रजिस्टर्स मौजूद हैं और ये वो सारे रजिस्टर्स हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए से एक्सेस हो सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस में इन रजिस्टर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है. तो इंटेल ने जो 8086 में मॉडल बनाया था जिसको प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर माइक्रोप्रोसेसर कहेंगे, तो उसमें जो रजिस्टर्स डेवलप किए थे तो गोया आज का जो लेटेस्ट तरीन प्रोसेसर होगा उसके इस प्रोग्रामिंग मॉडल में भी यही रजिस्टर्स होंगे. कुछ एक दो चार ज़्यादा होंगे लेकिन यही रजिस्टर्स होंगे. यहाँ आप डायग्राम देखें तो आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ रंगों में नज़र आ रहा है. तो इसमें आपको इस टेबल में जो राइट साइड पे ब्लू रंग से नज़र आ रहा है, सो दीज आर द रजिस्टर्स विच वर डेवलप्ड इन 8086. जिसमें आप देखें ऊपर आपको एड्रेस के नंबर्स नज़र आ, डाटा के नंबर नज़र आ रहे होंगे 0 से लेके 7 तक और 8 से लेके 15 तक, और आगे ब्लैक रंग से लिखा हुआ है 16 से लेके 31 तक. तो चूंकि ये 16 बिट का प्रोसेसर था लिहाजा इस 16 बिट के प्रोसेसर में सेंटर में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है लाल रंग से AX, BX, CX और DX. ठीक है, तो ये चार जो है वो जनरल पर्पस रजिस्टर्स थे जिनके साइज 16 बिट के थे और इनमें से AX, BX, CX और DX राइट साइड पे इनके कुछ थोड़े से नाम और इनके जिससे कुछ ज़रूरी ज़रूरी काम जो है एलेबोरेट हो जाएं वो भी लिखे हुए हैं. AX जो है वो अकोमोलेटर रजिस्टर है, BX जो है वो बेस रजिस्टर है, CX जो है वो काउंट रजिस्टर है और DX जो है वो डाटा रजिस्टर है. तो ये चार रजिस्टर्स हैं 16 बिट के AX, BX, CX और DX के नाम से. लेकिन इसमें एडिशनल फीचर ये रखा गया है कि क्योंकि इस प्रोसेसर को भी 8-bit कंपेटेबल बनाना था और जो 8085 की जो इससे पिछला प्रोसेसर था उसकी जो डाटा विड्थ थी वो 8-bit की थी और अगेन उस ज़माने में भी जो एप्लीकेशंस डेवलप हुई थी वो सारी 8-bit की डाटा साइज़ के रिस्पेक्ट से डेवलप हुई नहीं थी, तो फिर ये किया गया कि इन चारों रजिस्टर्स को भी दो दो हिस्सों में 8-bit एड्रेसेबल एक्सेसेबल बनाया गया. तो हर रजिस्टर AX है तो उसका एक आधा 8-bit AH कहलाएगा और एक आधा 8-bit AL कहलाएगा. ऐसी BX है तो उसका आधा एक जो है वो BH कहलाएगा और आधा एक जो है BL कहलाएगा. तो गोया ये रजिस्टर्स जो है वो चारों ये 16 बिट के तौर पे भी इस्तेमाल होंगे, उस सूरत में इनके नाम AX, BX, CX और DX होंगे. ये चार रजिस्टर्स होंगे और यही रजिस्टर जो है वो अगर 8-8 बिट का डाटा है और 8-8 बिट की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी है तो उस सूरत में 8 बिट के रजिस्टर के तौर पर भी 0 से लेके 7 तक AL, BL, CL और DL होंगे और 8 से लेके 15 तक AH, BH, CH और DH होगा. तो गोया यही रजिस्टर जो है वो चार के बजाय 8 रजिस्टर्स के तौर पे जो कि 8-8 बिट का हर रजिस्टर होगा भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं विद इन द इंस्ट्रक्शंस टू होल्ड द डाटा इन इट एंड टू मेक द ऑपरेशंस बिटवीन एनी ऑफ द टू रजिस्टर्स. कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन है, लॉजिक ऑपरेशन है, तो वो अगर दो डाटा एलिमेंट्स के दरमियान है तो उनमें से कोई से दो
रजिस्टर्स को लेके जो 8-8 बिट के हैं उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। किसी तीसरे रजिस्टर में उसका रिजल्ट ले जाना हो तो ले जाया जा सकता है। और अगर जो है वो 16-16 बिट के रजिस्टर के तौर पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो इन चार रजिस्टर्स को AX, BX, CX और DX इनमें कोई से दो में ऑपरेंड्स रखे जा सकते हैं और कोई से तीसरे में रिजल्ट रखा जा सकता है, या दोनों ऑपरेंड्स में से भी किसी एक में फिर रिजल्ट को सेव किया जा सकता है। ठीक होगी बात। इसके बाद आगे पांच रजिस्टर्स का एक और सेट है जिसके ऊपर राइट साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है ऑफसेट रजिस्टर्स फॉर मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन। ऑफसेट रजिस्टर्स फॉर मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन, और इसमें आप देखें तो 16-16 बिट के पांच रजिस्टर्स हैं आईपी, एसपी और बीपी, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर, और बकिया दो जो हैं वो डीआई और एसआई, डेस्टिनेशन इंडेक्स और सोर्स इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने पहले मैंने पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था, अभी दोबारा जिक्र कर रहा हूँ, वो ये कि इंटरनल रजिस्टर्स का साइज 16-16 बिट का था लेकिन एक्सटर्नल जो मेमोरी की एड्रेसेबल कैपेसिटी है वो 20 बिट की थी। और 20 बिट का मतलब ये है कि आपकी एड्रेस कैलकुलेशन किसी तरीके से होगी ताकि इन रजिस्टर्स के जो 16-16 बिट के हैं इनके ज़रिए से 20 बिट का एक्सटर्नल फिजिकल मेमोरी एड्रेस जनरेट किया जा सके और एक्सटर्नल एड्रेस बस के ऊपर पोर्ट किया जा सके टू एड्रेस द मेमोरी एंड टू गेट द डाटा फ्रॉम द मेमोरी। इसके लिए आप नीचे देखें, ये इसके नीचे फ्लैग है और फ्लैग के नीचे आपको नीले रंग में चार नज़र आ रहे हैं CS, DS, ES और SS। ये CS जो है वो कोड सेगमेंट है और DS जो है वो डाटा सेगमेंट है और ES जो है वो एक्स्ट्रा सेगमेंट है और SS जो है वो स्टैक सेगमेंट है। तो ये जो चार 16-16 बिट के रजिस्टर्स हैं इनको ये कहा गया कि ये मेमोरी एड्रेसिंग के लिए चार रजिस्टर्स हैं जिनमें बेस एड्रेस रखा जाएगा, जिनमें 16 बिट का बेस एड्रेस रखा जाएगा। और एड्रेस की कैलकुलेशन फिर इस तरह से की जाएगी कि 16 बिट का बेस एड्रेस जो है वो इन सेगमेंट रजिस्टर्स में से किसी एक सेगमेंट रजिस्टर में पड़ा हुआ होगा और उसके साथ जब एड्रेस कैलकुलेशन होगी तो राइट साइड पे चार जीरो अपेंड किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे और उसके नीचे फिर आपकी जो ऑफसेट वैल्यू है 16 बिट की वो रखी जाएगी और वो रख के इनको आपस में ऐड किया जाएगा तो उससे 20 बिट का फिजिकल मेमोरी एड्रेस बनेगा। ये नीचे आपको मैं दिखाता हूँ, इसकी जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो ये दिखाई हुई है। ये आप नीचे देखें जो आपका लिखा हुआ नज़र आ रहा है 2.2 आर्टिकल रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग, इसमें आप देखें कि ये कोड सेगमेंट है फॉर एग्जाम्पल जिसमें 001F की वैल्यू है, ये हेक्स में लिखी हुई है, 16 बिट की वैल्यू है। जब फिजिकल मेमोरी एड्रेस जनरेट होगा तो गोया कोड सेगमेंट के राइट साइड पे चार जीरोस बाइनरी के अपेंड किए जाएंगे और गोया ये कुल जो है आपकी लोकेशन बन जाएगी 16 के बजाय 20 की। और इसके नीचे जो है वो आईपी, जो अभी हमने ऊपर रजिस्टर देखा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इसके 16 बिट के कॉन्टेंट्स रखे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल वो हैं 1000। अब इसको ऊपर नीचे दोनों को रख के ऐड किया जाएगा तो अब जो है ये फिजिकल मेमोरी एड्रेस बनेगा 20 बिट का, जिसको हेक्स लेटर्स में हम जाहिर करेंगे तो 5 हेक्स के लेटर्स बनेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ आके आपकी समझ में शायद वो बात भी आ जाएगी जो मैंने आपसे कही थी कि एक एक, एक, एक लिमिटिंग एक जो फैक्टर था वो ये था कि किसी भी एप्लीकेशन में मैक्सिमम 64 बाइट की जो एड्रेस स्पेस है वो एड्रेस की जा सकती थी, क्योंकि जो एड्रेस की कैलकुलेशन है उसमें जो बेस एड्रेस है वो आपका गोया फिक्स रहता है जो आपकी स्टार्टिंग लोकेशन मेमोरी की बताता है, और उसके बाद जो ऑफसेट रजिस्टर है उसकी जो आप कह लें कि ऑल जीरो से ऑल वंस तक की जो मैक्सिमम काउंट नंबर्स हैं वो आपकी जो बेस एड्रेस में ऐड होके एड्रेसेबल स्पेस बनाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी बेस एड्रेस बनेगा किसी सेगमेंट रजिस्टर से तो उसके साथ जो भी ऑफसेट वैल्यू 16 बिट की ऐड होगी तो 16 बिट की वैल्यू आपकी 2^16 मैक्सिमम 64 किलोबाइट का जो एड्रेसेबल स्पेस है वो जनरेट कर सकता है। तो
तो ये एक लिमिटेशन थी कि हमारे पास जो गोया ऑफसेट एड्रेस था या ऑफसेट वैल्यू थी वो सिर्फ जो है वो 16 बिट की थी, जिसकी वजह से कोई भी एप्लीकेशन हम जब चलाएंगे तो वो मैक्सिमम 64 किलोबाइट साइज की हो सकती है, इससे ज़्यादा की जो है वो गोया एड्रेसिंग कैपेसिटी इस मैकेनिज्म के ज़रिए से गोया अवेलेबल ही नहीं थी। ठीक हो गया। तो 86 में जो मेमोरी एड्रेसिंग का मैकेनिज्म था वो रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग मैकेनिज्म था, और उसमें क्या होता था कि इन चार सेगमेंट रजिस्टर्स में से कोई एक सेगमेंट रजिस्टर एज ए बेस एड्रेस जो है वो डिजिग्नेट होता था, और उस 16 बिट के एड्रेस के साथ राइट साइड पे लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे चार जीरोज अपेंड करके और उसके नीचे ऑफसेट वैल्यू रखी जाती थी 16 बिट की। ये दोनों आपस में ऐड होके 20 बिट का फिजिकल मेमोरी एड्रेस बनाते थे। राइट साइड पे आप देखें जो टोटल 1 मेगाबाइट की मेमोरी है उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये फॉर एग्जांपल कोड सेगमेंट और आईपी दोनों मिलके एक एड्रेस बनाएंगे जो कि आपका स्टार्टिंग एड्रेस होगा 20 बिट का इन द मेमोरी सिस्टम, और मैक्सिमम उस स्टार्टिंग एड्रेस से लेके तो ऑफसेट रजिस्टर की मदद से जब ऑफसेट रजिस्टर इंक्रीमेंट होता जाएगा तो मैक्सिमम 64 किलोबाइट की जो गोया मेमोरी एरिया है जिसको हम एक सेगमेंट कहेंगे तो वो गोया आपका एड्रेस हो सकता है। और एक वक्त में अगर आपके चार सेगमेंट रजिस्टर्स हैं तो गोया चार मेमोरी सेगमेंट्स जो हैं 64 किलोबाइट ईच ये आपको अवेलेबल होंगे फॉर एड्रेसिंग पर्पस फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशन फाइल्स। हर एप्लीकेशन फाइल जो लोड होगी तो वो आपकी मेमोरी में से एक स्पेस एक्वायर करेगी और उस मेमोरी स्पेस को इन रजिस्टर्स की मदद से एड्रेस किया जा सकेगा। ठीक है, तो आप में से कौन बताएगा कि टोटल जो 1 मेगाबाइट की एड्रेसेबल मेमोरी स्पेस है इसमें 64 किलोबाइट के चंक्स बनाए जाएं तो कितने चंक्स बनेंगे? क्यों भाई, टोटल 1 मेगाबाइट एड्रेसेबल मेमोरी स्पेस में अगर 64 किलोबाइट के चंक्स बनाए जाएं तो टोटल एड्रेसेबल स्पेस के कितने चंक्स बनेंगे? सर 16 बनेंगे। ठीक हो गया, तो अगर जो है वो ये सारी एक दूसरे के साथ जोड़ के रखी जाए तो उस सूरत में गोया 16 टोटल आपकी मेमोरी के 64 किलोबाइट के चंक्स हो सकते हैं। ठीक हो गया, अब ये सेगमेंट रजिस्टर के ज़रिए से आपके जो ये मेमोरी चंक्स है ये बिल्कुल अलग अलग एरियाज में भी हो सकते हैं और एक दूसरे के साथ जोड़ के भी रखे जा सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हों। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन 64 किलोबाइट से छोटी है तो फिर ये भी हो सकता है कि आपने एक सेगमेंट रजिस्टर रखा किसी स्टार्टिंग एड्रेस के ऊपर और दूसरा सेगमेंट रखा जो कि उसके 64K के रेंज में आ रहा है लेकिन वो एक दूसरे के साथ गोया ओवरलैप हो रहे हैं, उस एप्लीकेशन का साइज 64 किलोबाइट से कम है लिहाजा जो रिमेनिंग उसका एड्रेसेबल स्पेस है उसमें किसी और कोड सेगमेंट किसी और सेगमेंट रजिस्टर के ज़रिए से वो जो मेमोरी का एरिया है किसी और एप्लीकेशन के लिए अलॉट किया जा सकता है। ठीक हो गया, अब इनके जो नाम हैं उनसे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा जो कोड सेगमेंट है प्राइमरली मेमोरी से जो आपका मेन प्रोग्राम है उसके लिए कोड सेगमेंट इस्तेमाल होता है, और आमतौर पर कोड सेगमेंट के साथ जो ऑफसेट रजिस्टर है वो आईपी इस्तेमाल होता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो ये दोनों मिलके जो एड्रेस जनरेट करेंगे तो मेमोरी से आपका जो मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा ये उसका एड्रेस होगा, और वहाँ से आपकी हर फेच के साथ 16 बिट की एक वैल्यू रीड होके मेमोरी से आएगी। ठीक है, और जब मेमोरी से फेच होके 16 बिट की इंस्ट्रक्शन आएगी तो उसके साथ ही जो आईपी है ये इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये इंक्रीमेंट +2 के साथ होगा क्योंकि एक वक्त में 2 बाइट्स रीड होंगी तो 2 बाइट्स रीड होके इंक्रीमेंट 2 बाइट का होगा ताकि उस इंस्ट्रक्शन के डिकोड और एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी से फेच की जा सके। तो आईपी में जो है वो +2 के बाद नेक्स्ट एड्रेस जो है मौजूद होगा और कोड सेगमेंट और आईपी दोबारा ऐड होके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से जो अगली 2 बाइट्स हैं उनको मेमोरी से फेच करके लाएगी। तो आमतौर पर कोड सेगमेंट और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ये दोनों इस्तेमाल होते हैं जो आपका मेन प्रोग्राम है उसके मेमोरी से
फेच करने के लिए, और आम तौर पे जो डाटा सेगमेंट है ये इस्तेमाल होता है जो आपके डिफरेंट डाटा एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं उनको एक्सेस करने के लिए। तो डाटा सेगमेंट के साथ डीआई भी इस्तेमाल होता है एज ए ऑफसेट रजिस्टर, एसआई भी इस्तेमाल होता है एज ए ऑफसेट रजिस्टर, और ये आपका एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट जो है बिलखसूस ये आपका ऐसा होता है कि जिसके ज़रिए से स्पेशली आपने कुछ रजिस्टर्स को, कुछ डेटा वैल्यूज़ को टेम्परेरली मेमोरी में स्टोर करना है और फिर वहाँ से वापस रिस्टोर करना है, तो उसके लिए स्टैक सेगमेंट इस्तेमाल करते हैं। और स्टैक सेगमेंट के साथ आमतौर पर स्टैक पॉइंटर होता है ऑफसेट के तौर के लिए, या समटाइम्स बेस पॉइंटर भी होता है ऑफसेट के लिए। तो ये डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशन जो है वो सेगमेंट रजिस्टर्स के इन ऑफसेट रजिस्टर्स के साथ बनते हैं, जिससे फिजिकल 20 बिट की मेमोरी एड्रेस जनरेट होता है, और उस 20 बिट के फिजिकल मेमोरी एड्रेस से एक्सटर्नल जो मेमोरी कनेक्ट है सिस्टम के साथ, उनसे आपके इंस्ट्रक्शंस रीड होके आती हैं, डाटा रीड होके आते हैं, और जो डाटा रिजल्ट इंस्ट्रक्शन के केस में रिजल्ट प्रोड्यूस होता है उसको मेमोरी में स्टोर करवाना हो, राइट करवाना हो, तो उसके लिए भी फिर यही एड्रेसिंग स्कीम इस्तेमाल होती है, और मेमोरी के उन एड्रेसेस के ऊपर आपके रिजल्ट्स जो 8 बिट के, 16 बिट के, 32 बिट के हो सकते हैं, तो वो मेमोरी में स्टोर करवाए जाते हैं। ठीक है, बीच में एक रजिस्टर फ्लैग का है। अभी हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि फ्लैग रजिस्टर में जो 16 बिट्स हैं उनके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और ये जो सारा आपका ब्लू रंग से बना हुआ है ये आपका ओरिजिनल मॉडल था विच इज़ डेवलप्ड फॉर द 8086 प्रोसेसर। अब इसमें आप गिन के मुझे बताएं कि कुल रजिस्टर्स कितने बने, ए बी सी डी 4 ये बने, और सी एस डी एस ई एस 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 4 ये बने, 4 और 4 8, और 5 बीच में ऑफसेट रजिस्टर बने, तो 8 और 5 कितने हुए, क्यों भाई 8 5 कितने हुए, 13, और एक फ्लैग का रजिस्टर 14। तो कुल ये 14 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं जो 8086 में मौजूद थे, और इन्हीं के ज़रिए से तमाम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता था जब, और 8086 में भी यही मौजूद थे, जब 286 में भी यही मौजूद थे, 286 के बाद जब 386 बनाया गया, 486 बनाया गया, और जो डाटा की हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 16 बिट के बजाय 32 बिट कर दी गई, तो फिर क्या किया गया कि ओवरऑल जो आपके रजिस्टर्स थे वो यही रहे, सिर्फ ये हुआ कि उसमें आपको लेफ्ट साइड पर जो ब्लैक रंग से एक्सटेंडेड पोर्शन नज़र आ रहा है, तो इन रजिस्टर्स को गोया एक्सटेंड कर दिया गया, और अब इन रजिस्टर्स को कहा गया कि ये EAX हैं, ये EBX हैं, ये ECX है, EDX है, एंड सो ऑन आगे चलते चले जाएँ। तो आपके ये जो आपके पहले 4 जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स और अगले 5 आपके ऑफसेट रजिस्टर्स और अगला आपका 6 फ्लैग रजिस्टर्स, तो ये आपके 4 जमा 6 ये 10 रजिस्टर्स थे, इन सब का साइज़ जो है वो एक्सटेंड किया गया, और वो एक्सटेंड करके 32 बिट का बनाया गया। लेकिन अगेन उस 32 बिट के पूरे रजिस्टर के अंदर EAX अगर 32 बिट का रजिस्टर है तो इसके अंदर जो बॉटम के 16 बिट हैं वो एज ए AX भी इस्तेमाल होंगे, और उसके अंदर मज़ीद जो 8-8 बिट की इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हैं AL और AH की वो भी इस्तेमाल होंगी। तो गोया जो अबव प्रोसेसर बनाए गए 386 अबव एंड पेंटियम एटसेट्रा, तो उसमें इन रजिस्टर्स को ही मेंटेन रखा गया और इनके साइजेस एक्सटेंड कर दिए गए, और इनका जो बेस मॉडल था या बेस वर्जन था 16-16 बिट का वो भी एज इट इज़ इसके अंदर मौजूद रहा, और उसकी एक्सेस और इसकी इंस्ट्रक्शंस भी एज इट इज़ मौजूद रही। और इसमें जो है सेगमेंट रजिस्टर्स में देखें तो सेगमेंट रजिस्टर्स को एनहांस नहीं किया गया, उनको ECS, EDS, EAS नहीं बनाया गया, उनको 16 बिट ही का रखा गया, सिर्फ उसमें 2 सेगमेंट रजिस्टर्स नीचे जो आपको FS और GS के नाम से नज़र आ रहे हैं वो इसमें ऐड कर दिए गए, और गोया उन प्रोसेसर्स में 4 के बजाय 6 सेगमेंट रजिस्टर्स जो है वो डेवलप किए गए। तो गोया जो इंटेल का मॉडल है जो 8086 में डेवलप हुआ था, प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर द पर्पज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस,
विद द नेम ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स एंड द पर्पस ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स, तो वो एक ही जैसा रहा, ओनली विद द डिफरेंस के इंटरनल रजिस्टर्स के साइजेस एक्सटेंड कर दिए गए, और बाद में जो मजीद होंगे उनमें फिर ये 32 बिट के बजाय जो आजकल के पेंटियम और दूसरे होंगे जिनमें 64 बिट है, तो यही रजिस्टर्स जो है वो एक्सटेंड होके 64 बिट के बन चुके हुए होंगे। ठीक हो गया। एक डिफरेंस जो है वो ये है कि जो आपका रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग था, जो कि आपका 1 मेगाबाइट की जो एड्रेस स्पेस थी उसके लिए गोया वर्केबल था, उसमें सेगमेंट रजिस्टर से बेस एड्रेस जो है वो गोया आइडेंटिफाई होता है, और उसमें ऑफसेट की 16 बिट की वैल्यू ऐड करके तो 20 बिट का फिजिकल मेमोरी एड्रेस डेवलप किया जाता था 8086 में। और अगेन इसकी लिमिटेशंस की वजह से जब ये कंसिडर किया गया कि जो एक्सटेंडेड मेमोरी है उसकी एड्रेसिंग के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिसमें जो लिमिटेशंस हैं ये सारी जो फील की जा रही थी उस ज़माने में उनको भी एड्रेस किया जा सके, और एंटायर मेमोरी जो है उसको एड्रेस भी किया जा सके, एक्सटेंडेड मेमोरी को भी एड्रेस किया जा सके, और जो एप्लीकेशन का साइज़ है और उसके जो डिफरेंट राइट्स हैं उनको भी इम्प्रूव किया जा सके। तो ये रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग के बाद फिर एक और चीज़ डेवलप की गई जिसका नाम रखा गया प्रोटेक्टेड मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग। तो उसमें सेगमेंट रजिस्टर्स यही होंगे, सेगमेंट रजिस्टर्स यही होंगे, लेकिन इनका काम बदल जाएगा। रियल मोड में इन सेगमेंट रजिस्टर्स का काम क्या है, वो है बेस एड्रेस की प्रोविजन, और जो प्रोटेक्टेड मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग है उसमें इसी 16 बिट के जो सेगमेंट रजिस्टर है इसकी जो गोया काम है या इसकी जो 16 बिट की इंफॉर्मेशन है उससे इसका टास्क बदल जाएगा, और हम कहेंगे कि अब ये सेगमेंट रजिस्टर जो है ये बेस एड्रेस नहीं दे रहा बल्कि ये आपका एक सिलेक्टर जो है वो सिलेक्ट कर रहा है। तो इसमें से गोया आप डिफरेंट नंबर ऑफ सिलेक्टर्स आप चूज कर सकते हैं, और हर सिलेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग फिर एक डिस्क्रिप्टर होगा, और उस डिस्क्रिप्टर के अंदर वो सारी डेफिनेशन लिखी हुई होगी जिससे ये आइडेंटिफाई होगा कि उस एप्लीकेशन का बेस एड्रेस क्या है, उस एप्लीकेशन के रेंज क्या है, उस एप्लीकेशन की गोया लिमिट क्या है, उस एप्लीकेशन के जो डिफरेंट एक्सेस राइट्स हैं वो क्या है। क्योंकि हम किसी एप्लीकेशन के लिए जब हम कहते हैं कि भाई इसका एड्रेस क्या है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसका मेमोरी में जो प्लेसमेंट है इस सॉफ्टवेयर की, इस प्रोग्राम की, वो कहाँ है, उसका बेस एड्रेस क्या है, और फिर हम ये जानना चाहते हैं कि उस एप्लीकेशन के मेमोरी में साइज़ क्या है, कितनी उसकी लिमिट है स्टार्टिंग एड्रेस से लेके क्लोजिंग एड्रेस तक वो क्या है, और फिर इसकी डिफरेंट तरह की जो आप कह लें कि फीचर्स हैं, एक्सेस राइट्स हैं, वो क्या क्या हैं। तो उसके लिए फिर एक 8 बाइट का डिस्क्रिप्टर होगा जो कि सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर लिए हुए होगा, जो कि हर एप्लीकेशन को अलग अलग अलॉट किया जाएगा, और उसमें से ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी कि ये एप्लीकेशन में मेमोरी में कहाँ स्टोर है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, क्लोजिंग एड्रेस क्या है, और उसके डिफरेंट एक्सेस राइट्स क्या है। ठीक है, इतनी बात जो मैंने कही और जो डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आपके सामने पेश की, इसमें कुछ सवाल हो तो पूछ लें, फिर हम इससे आगे निकलते हैं। जी, ये मैंने डायग्राम आपके सामने प्रोग्रामिंग मॉडल की हाईलाइट की हुई, इकट्ठी की हुई। जी, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो सर। एक दो और बोलो ताकि मुझे लगे कि भाई कोई कुछ ना कुछ जाग रहे हैं लोग, सारे सो रहे हैं। नो सर। शाबाश। ओके, तो 8086 में जो मेमोरी का मैकेनिज्म था वो ये था कि 20 बिट का एड्रेस बनाने के लिए सेगमेंट रजिस्टर को एज ए बेस एड्रेस चूज करते थे और उसमें बेस एड्रेस सेव करते थे, और ऑफसेट एड्रेस को हम लेते थे कि उस स्टार्टिंग एड्रेस से नेक्स्ट 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 कितनी लोकेशंस तक जाना है, तो ऑफसेट एड्रेस की 16 बिट की वैल्यू हो सकती थी, जो मैक्सिमम 64 किलोबाइट की जो एड्रेसिंग कैपेसिटी है या एड्रेसिंग स्पेस है उसको गोया मार्क कर सकती थी किसी एप्लीकेशन के लिए। ठीक हो गया। और किसी भी इंस्ट्रक्शन में एक तो पॉइंट ये है कि मेमोरी में वो इंस्ट्रक्शन जो है वो
कहाँ से उठा के लानी है, और अगली बात यह है कि उस इंस्ट्रक्शन की जो गोया हैंडलिंग कैपेसिटी है, कितने बिट की इंस्ट्रक्शन जो है आपकी डिफरेंट अरिथमेटिक और लॉजिक और डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करने के कैपेबल है उसका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो 8086 में तो दो चीज़ें अवेलेबल थी कि 8 बिट का डाटा हो सकता है, 16 बिट का डाटा हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो फिर 386, 486 पेंटियम प्रोसेसर्स बने उसमें 32 बिट का डाटा भी एग्जीक्यूट हो सकता है। तो गोया 8086 में 16 बिट तक का डाटा और उसके अगले प्रोसेसर्स में 32 बिट तक का डाटा और आज तक के प्रोसेसर में 64 बिट का और 128 बिट का डाटा भी आपका हैंडल हो सकता है डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के लिए, और डाटा साइज है उसमें ये अवेलेबल हो सकता है। अगली बात ये है कि मेमोरी में हम जब डाटा रखेंगे, अगर एक बाइट का डाटा होगा फिर तो वो मेमोरी की एक लोकेशन में आ जाएगा, लेकिन अगर दो बाइट का डाटा होगा फिर उसके लिए मेमोरी की दो लोकेशन चाहिए होंगी, चार बाइट का डाटा होगा उसके लिए मेमोरी की चार लोकेशन चाहिए होंगी, आठ बाइट का डाटा होगा उसके लिए मेमोरी की आठ लोकेशन चाहिए होंगी। इसलिए कि एक बात जो है वो डिटरमिंड है और तयशुदा है वो ये कि मेमोरी का साइज बाइट वाइड होगा, ठीक है, बाइट वाइड होगा और हर बाइट को अलग एड्रेस अलॉट किया जाएगा, ठीक हो गया। अब एक मैकेनिज्म जो है वो ये है कि अगर आपका एक बाइट से ज़्यादा का डाटा है, दो बाइट का है, चार बाइट का है, आठ बाइट का है, तो उस सूरत में मेमोरी में जो डाटा को स्टोर करने की स्कीम है वो ये है कि जो पूरे डाटा की सबसे लोअर बाइट होगी वो मेमोरी के जो लोअर एड्रेस है उस पर स्टोर होगी, उससे अगली बाइट मेमोरी के अगले एड्रेस पे स्टोर होगी, उससे अगली बाइट मेमोरी के अगले एड्रेस पे स्टोर होगी, एंड सो ऑन। तो ये एक समझने की बात है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी आठ बाइट का डाटा मेमोरी में स्टोर करो, आठ बाइट का डाटा मेमोरी में स्टोर करो, तो अब मेमोरी में स्टोर करने के लिए आठ डिफरेंट एड्रेसेस होंगे जिनके ऊपर ये आठ बाइट रखी हुई होंगी, महफूज की हुई होंगी, रिटर्न होंगी जिसके अंदर ना। तो अब उस सूरत में हम इंस्ट्रक्शन में आठ एड्रेसेस नहीं बताएंगे, फॉर एग्जांपल हम ये नहीं कहेंगे एड्रेस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन एड्रेसेस के ऊपर डाटा पड़ा है, हम सिर्फ जो उसका बॉटम एड्रेस है फॉर एग्जांपल एड्रेस नंबर 1 वो बताएंगे। हम कहेंगे जी एड्रेस नंबर 1 से जो है वो आठ बाइट लेके आओ, तो वो एड्रेस नंबर 1 पे जाएगा, वहाँ से जो बाइट उठाएगा वो आपके डाटा की जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है वो होगी, फिर एड्रेस नंबर 2 के ऊपर उससे नेक्स्ट बाइट होगी, फिर एड्रेस नंबर 3 के ऊपर उससे नेक्स्ट बाइट होगी, और जो एड्रेस नंबर 8 है फॉर एग्जांपल उसमें आपकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ऑफ द डाटा है वो रखी हुई होगी। तो गोया मेमोरी में अगर एक बाइट से ज़्यादा का डाटा का जो वर्ड है उसका साइज हो, तो उस सूरत में मेमोरी में जो उस डाटा को हम प्लेस करते हैं उसका प्रिंसिपल ये है कि जो आपका बेस एड्रेस होगा मेमोरी में वहाँ आपकी डाटा की जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है वो स्टोर की जाएगी, और उससे अगली मेमोरी लोकेशन में उससे अगली बाइट एंड सो ऑन। तो जितने भी बाइट का डाटा होगा 2, 4, 8, 16 बाइट्स का, तो वो मेमोरी में इसी स्कीम के साथ जो है वो स्टोर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से जो आपके डाटा बाइनरी नंबर हैं तो वो भी आपके रजिस्टर्स में स्टोर हो सकते हैं, बाइनरी नंबर्स के अलावा आपके BCD नंबर्स और ASCII करेक्टर्स हैं वो भी आपके मेमोरी में स्टोर हो सकते हैं। BCD नंबर अगर आपके होंगे तो 8 बिट के डाटा में आपके 2 BCD नंबर्स आ सकते हैं, 16 बिट के डाटा में आपके 4 BCD नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर ASCII करेक्टर्स होंगे तो आमतौर पर 7 बिट का या 8 बिट का ASCII करेक्टर होता है, तो 8 बिट के एक आपके मेमोरी लोकेशन में एक ASCII करेक्टर आ सकता है। इसीलिए मेमोरी में जब आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं या ASCII करेक्टर्स को रीड राइट करना होता है तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है कि हर आपकी मेमोरी लोकेशन के ऊपर एक ASCII करेक्टर जो है वो लिखा हुआ होता है, और अगर आपको कॉन्टीन्यूस जो है वो रीड राइट करना हो तो उस सूरत में आपके ऑफसेट एड्रेस की जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो +1 या -1 की होती है, इसलिए कि हर मेमोरी लोकेशन पर आपका एक ASCII करेक्टर पड़ा हुआ है। अभी जो हमने पीछे मॉडल देखा तो यहाँ आपको देखा है कि डिफ़ॉल्ट सेगमेंट्स और ऑफसेट्स, तो इसकी जो है आपकी पेयर बनाए हुए हैं कि आम तौर पे किस सेगमेंट रजिस्टर के साथ कौन सा ऑफसेट रजिस्टर इस्तेमाल होता है फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस। तो कोड सेगमेंट के साथ फिक्स है कि IP जो आपका ऑफसेट रजिस्टर ये इस्तेमाल होता है फॉर एड्रेस कंप्यूटेशन,
और आपका डीएस जो है डाटा सेगमेंट, इसके साथ आपका डीएक्स डीआईएसआई, इनमें से कोई भी जो है वो आपका ऑफसेट एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। ये आपके 16 बिट के सिस्टम में होंगे पासवर्ड की चुननी है एंड ही तो उसको बात। ये माइक बंद करो जिसका फालतू चल रहा है। तो अगर जो है वो आपका 16 बिट का सिस्टम है, 8086 है, 286 है, तो वहाँ आपका BX, DI और SI जो है आपका हो सकता है ऑफसेट एड्रेस के लिए इस्तेमाल। और अगर आपका 32 बिट का सिस्टम है, 386 या अबव माइक्रो प्रोसेसर हैं, तो आपका EIP ये आपका कोड सेगमेंट के साथ जो है वो इस्तेमाल होगा एज ए ऑफसेट रजिस्टर। और EAX से लेके EDX तक और ESI और EDI ये आपके सारे रजिस्टर्स 8 बिट के, 16 बिट के, 32 बिट के एज द केस में भी वो इस्तेमाल हो सकते हैं फॉर दी ऑफसेट वैल्यू। अगर ऑफसेट वैल्यू में आपके 32 बिट के कंटेंट्स मौजूद हैं तो 2^32 इज 4 GB, जिसका मतलब ये है कि आप उस एप्लीकेशन में 4 GB तक का जो एड्रेस स्पेस है वो किसी एक एप्लीकेशन के अगेंस्ट मेमोरी में से एड्रेस कर सकते हैं, जो कि आपकी लिमिटेशन थी 8086 में कि किसी एप्लीकेशन के लिए मैक्सिमम 16 बिट का ऑफसेट हो सकता है, जिससे आपकी मैक्सिमम एड्रेसिंग कैपेसिटी एक एप्लीकेशन हो सकती है। तो ये आपके 32 बिट का ऑफसेट के साथ वो लिमिटेशन भी खत्म हो जाती है। ऐसे जो आपका स्टैक सेगमेंट है, इसके साथ स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर ये दोनों इस्तेमाल होते हैं 16 बिट के सिस्टम में। और 32 बिट के सिस्टम में ESP और EBP ये आपके ऑफसेट रजिस्टर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ऐसे ही आपका जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है, इसके साथ आपका आमतौर पे DI डेस्टिनेशन इंडेक्स इस्तेमाल होता है फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशंस, जहां आपके ASCII करेक्टर्स होते हैं और हर आपकी बाइट में एक ASCII करेक्टर मौजूद होता है। और आपके 32 बिट के में EDI आपका ऑफसेट एड्रेस के तौर पे है। ठीक हो गया जी। तो इससे आप अंदाजा हो गया कि भाई 16 बिट के प्रोसेसर में जो कि आपका 8086 और 286 था उसमें ऑफसेट एड्रेस, और जो आपका 32 बिट के प्रोसेसर हैं उनमें आपके ऑफसेट एड्रेस की वजह से जो हैंडलिंग कैपेसिटी है किसी भी एप्लीकेशन के लिए मेमोरी से डाटा के एक्सेस करने की, तो वो आपकी एनहांस्ड 4 GB तक की एप्लीकेशन भी हो तो वो आपकी हैंडल की जा सकती है विद दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, विद दिस एड्रेसिंग कैपेबिलिटी मैकेनिज्म। ठीक है, इसके नीचे बीच में आपका एक था जिसमें लिखा हुआ था फ्लैग रजिस्टर, और फ्लैग रजिस्टर के साथ लिखा हुआ था कि आपका जो है वो क्या कहते हैं फ्लैग है और साथ ई फ्लैग है। तो आपका प्राइमरली जो फ्लैग रजिस्टर था वो 16 बिट का था, और इस डायग्राम में आप देखें जो आपको नजर आ रही है आपको नजर आएगा कि आपके जो फ्लैग बिट के नंबर्स हैं, बिट नंबर 0 से लेके बिट नंबर 15 तक, तो ये आपके फ्लैग का 16 बिट का रजिस्टर था 86 में, लेकिन उसमें से आपका ये 0 से लेके जो 11 नंबर बिट है यहाँ तक की जो फ्लैग की गोया एंट्रीज हैं वो 86 में मौजूद थी, और ये भी सारी 11 मौजूद नहीं थी। आप देखें आपको उसमें नजर आ रहा है कि बिट नंबर 0 के ऊपर सी है विच इज कैरी फ्लैग, बिट नंबर 2 के ऊपर जो है वो पी है विच इज पैरिटी फ्लैग, और बिट नंबर 4 के ऊपर जो है वो ए है विच इज एक्सिलरी फ्लैग, और बिट नंबर 6 के ऊपर जी है जेड है विच इज जीरो फ्लैग, और बिट नंबर 7 के ऊपर जो है वो एस है विच इज साइन फ्लैग, और बिट नंबर 8 के ऊपर टी है विच इज ट्रैप फ्लैग, और बिट नंबर 9 के ऊपर आई है विच इज इंटरप्ट फ्लैग, और बिट 9 के ऊपर विच इज डायरेक्शन फ्लैग, और बिट नंबर 11 के ऊपर वो है विच इज ओवरफ्लो फ्लैग। तो ये आप गिने तो आपको नजर आएगा कि 16 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 आपकी फ्लैग बिट्स थी जो कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में मौजूद थी और इस्तेमाल होती थी। अब इनमें से हर फ्लैग का क्या काम है वो नीचे लिखा हुआ भी है, मैं अभी आपको उसे डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। फिर जब 286 जो है वो डेवलप हुआ तो उसके साथ जो है आप देखें ऊपर बिट नंबर 12, 13, 14 इसके ऊपर IOP और NT नाम की फ्लैग बिट्स ऐड की गई, और 286 भी आपका 16 बिट का प्रोसेसर था
जिसमें फ्लैग रजिस्टर का साइज भी 16 बिट था। फिर जब 386, 486 और पेंटियम प्रोसेसर बने तो फ्लैग बिट का जो फ्लैग रजिस्टर का साइज है वो आपका 32 बिट का हो गया और उसका नाम ई फ्लैग हो गया। और उसमें मजीद कुछ और जो आप देखें इससे आगे आर एफ है, वी एम है, ए सी है, वी आई एफ है, वी आई पी है और आई डी है, तो ये आपकी बिट्स भी ऐड हो गई और इस फ्लैग बिट के अंदर इन बिट्स की भी गोयर डिज़ाइन जो है वो कर दी गई। तो अभी भी 32 बिट में से ये फ्लैग इस्तेमाल नहीं होती, कुछ इस्तेमाल होती, 9 ये हो गई और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 18 बिट्स जो है वो आपकी डिफरेंट फ्लैग इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होती। अब हम के जो शुरू की 9 है 886 की वो क्या है और जो अगली नेक्स्ट है वो क्या है, उनमें से ये है कि जब कभी भी कोई इंस्ट्रक्शन होती है, कभी भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, तो उस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के साथ ही इस फ्लैग रजिस्टर की जो डिफरेंट बिट्स हैं इनमें कुछ चेंजेस जो है वो अपडेट हो जाती हैं। उनमें से मिसाल के तौर पर सबसे बॉटम पे है कैरी फ्लैग। तो कोई भी आपकी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो और फॉर एग्जाम्पल 8 बिट की इंस्ट्रक्शन है और 8 बिट टू 8 बिट आपका कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन है और उसमें अगर कोई कैरी जनरेट हो रही है विच इज़ द 9th बिट, तो वो 9th बिट में अगर कैरी जनरेट हो रही है तो सूरत में ये जो कैरी फ्लैग है इसमें 1 आ जाएगा, जो इस बात की इंडिकेशन होगी कि 2 डिफरेंट नंबर्स के अरिथमेटिक ऑपरेशन के केस में एक कैरी जनरेट हुई है। अगर आपका 16 बिट टू 16 बिट ऑपरेशन है तो उस सूरत में आपकी अगर 17वीं बिट डेवलप होगी कैरी के लिए तो वो आपकी कैरी फ्लैग में आएगी। इट डिपेंड्स कि आपका जो ऑपरेशन है वो 8 बिट का है, 16 बिट का है, 32 बिट का है। तो 8 बिट के ऑपरेशन के केस में जो आपकी 9th बिट डेवलप होगी वो आपकी कैरी होगी, 16 बिट के ऑपरेशन के केस में आपकी जो 17th बिट है वो आपकी कैरी बिट होगी, 32 बिट के ऑपरेशन के केस में आपकी जो 33rd बिट है वो आपकी कैरी बिट होगी। तो कैरी फ्लैग जो है वो आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन में जो मोर सिग्निफिकेंट बिट से आगे कैरी जनरेट करता है, तो अगर कैरी जनरेट होती है तो कैरी फ्लैग में 1 आ जाएगा और कैरी जनरेट नहीं होती तो कैरी फ्लैग में 0 रहेगा। ठीक है, इसी तरह से जो पैरिटी की बिट है ये इवन और ऑड पैरिटी के लिए है। तो अगर आपने अगर आपको याद हो तो DLD में हमने पैरिटी की इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट होती है और कैसे डिटेक्ट होती है ये हमने किसी चैप्टर में गाल में चौथे चैप्टर में डिस्कस किया था। तो जो पैरिटी की इंफॉर्मेशन है ऑड या इवन पैरिटी की, तो वो भी आपकी इस पैरिटी फ्लैग में मौजूद है। 1 का मतलब ये है कि डाटा जो है वो 8 बिट का 16 बिट का जो भी है उसकी पैरिटी इवन है, और 0 का मतलब ये है कि जो भी आपका 8 बिट का 16 बिट का 32 बिट का डाटा है उसकी पैरिटी ऑड है। तो अगेन जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा 8 बिट का 16 बिट का या 32 बिट का, उसकी पैरिटी के अतबार से इस बिट के अंदर ये हो जाएगी कि जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है उसकी पैरिटी ऑड बनती है या इवन बनती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है वो एक्सिलरी फ्लैग है। एक्सिलरी फ्लैग जो है वो ये बताता है कि अगर आपकी BCD आप कह लें कि कैलकुलेशन हो रही है तो उस सूरत में 8 बिट का 8 बिट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपका 4 बिट में एक नंबर होगा और अगले 4 बिट में अगला नंबर होगा। तो अगर आपके राइट साइड के या लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड के जो 4 बिट्स हैं वो आपस में ऐड होंगे और उससे कैरी जनरेट होगी और वो अगले नंबर जो है वो अगले 4 बिट में जो है वो ट्रांसफ़र होगी, तो ये एक्सिलरी कैरी कहलाती है। तो ये आपका अगर आपका जो नंबर है 8 बिट में वो आपका बाइनरी नंबर के बजाय BCD नंबर होगा तो उस सूरत में जो लोअर साइड के 4 बिट्स हैं अगर उनसे कैरी जनरेट होकर अपर साइड के 4 बिट में आती है तो ये आपकी एक्सिलरी कैरी कहलाएगी और उस सूरत में ये इस फ्लैग के अंदर 1 आ जाएगा अगर एक्सिलरी कैरी जनरेट होगी, तो नहीं जनरेट होगी तो इसमें 0 आएगा। ऐसे 6 नंबर के ऊपर 0 फ्लैग है। अगर आपके किसी ऑपरेशन का जो आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन था या लॉजिक ऑपरेशन था आपका आंसर जो है वो ऑल जीरोज आ जाता है, आपका आंसर जो है वो ऑल जीरोज आ जाता है तो उस सूरत में 0 फ्लैग के ऊपर 1 आ जाएगा। तो 0 फ्लैग के ऊपर 1 आने का मतलब ये है कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाया गया था उसका आंसर ऑल जीरोज आ गया। अगर 8 बिट का डाटा है तो 8 जीरोज आ गए, 16 बिट का डाटा है तो 16 जीरोज आ गए, 32 बिट का डाटा है तो 32 जीरोज आ गए। अगर ऑल जीरोज आंसर आ जाए तो उस सूरत में 0 फ्लैग के ऊपर 1 आ जाएगा
और अगर जीरो फ्लैग के ऊपर जीरो होगा इट मींस कि आपका जो भी आंसर प्रोड्यूस हुआ है वो नॉन जीरो आंसर है, वो नॉन जीरो आंसर है। ऐसी जो एस है वो आपका साइन फ्लैग है, साइन फ्लैग आपका बताता है कि अगर आपका जो नंबर है वो आपका साइंड नंबर है तो उस सूरत में आपका जो नेगेटिव नंबर है वो टूस कम्प्लीमेंट की फॉर्म में है, और अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो साइन फ्लैग में जीरो आएगा, और अगर आपका नंबर जो है वो नेगेटिव है तो आपके साइन फ्लैग में वन आएगा। तो आपका जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन के केस में तो उसमें से अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो साइन फ्लैग में जीरो इंडिकेट होगा, और अगर नेगेटिव नंबर आंसर आया है तो साइन फ्लैग में वन आएगा। ठीक है, ये जो पांच फ्लैग डिस्कस किए हैं ये तो एक तरह के ऑटोमेटिक फ्लैग्स हैं, और जब भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो जो भी स्टेटस होगा वो आपका इन फ्लैग्स में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे जो आपका टी आई डी ओ, ओ भी है, ओ जो है आपका ओवरफ्लो फ्लैग है, ये भी ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो आपके साइंड नंबर्स के केस में है कि अगर साइन नंबर्स की आपकी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हुई है और उस सूरत में आपका ओवरफ्लो इंडिकेट हो गया। ओवरफ्लो का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने नेगेटिव नेगेटिव नंबर को ऐड किया तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है जिसका मतलब ये हुआ कि ओवरफ्लो हो गया। ठीक हो गया, इसी तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर आंसर नेगेटिव में आना शुरू हो गया इट मीन्स कि दिस इज ओवरफ्लो। तो जहाँ साइंड नंबर्स की अरिथमेटिक चल रही होगी वहाँ पे जो ओ बिट है ये बताएगी कि ओवरफ्लो तो नहीं हो गया, और अगर ओवरफ्लो हो जाएगा तो आपका इस ओवरफ्लो बिट में वन आ जाएगा और अदरवाइज इसमें ज़ीरो रहेगा। तो ये पांच जमा एक छः जो ऐसी बिट्स हैं फ्लैग की बिट्स जिनको ऑटोमेटिकली अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट्स। बीच में जो ये आपकी तीन बिट्स हैं आपकी टी आई और डी, ये टी आपकी फ्लैग है, तो इस फ्लैग बिट को खुद प्रोग्राम के जरिए से वन या जीरो किया जा सकता है। अगर हमने माइक्रोप्रोसेसर को सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन में इस्तेमाल का हो तो उस सूरत में ट्रैप फ्लैग को वन कर दिया जाता है जिससे माइक्रोप्रोसेसर सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन मोड में चला जाता है, और जीरो रखने से फिर ये नॉर्मल मोड में ऑपरेट करता है। ऐसी जो इंटरप्ट फ्लैग है इसको भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के जरिए से वन या ज़ीरो किया जा सकता है। अगर ये इंटरप्ट फ्लैग को हम वन कर देंगे उस सूरत में इंटरप्ट एक्नॉलेज होगी, लेकिन अगर इसको हम जीरो कर देंगे तो उस सूरत में जो एक्सटर्नल इंटरप्ट है वो एक्नॉलेज नहीं होगी बल्कि इग्नोर कर दी जाएगी। ठीक हो गया, तो ये दोनों बिट्स जो हैं ये भी आपकी गोया यूज़र प्रोग्रामेबल बिट्स हैं, इनको इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए से जीरो या वन के ऊपर प्रोग्राम किया जा सकता है, और उससे अकॉर्डिंगली ट्रैप फ्लैग की मदद से उसको सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन मोड में लाया जा सकता है, और इंटरप्ट फ्लैग के ज़रिए से एक्सटर्नल इंटरप्ट को टेम्परेरली इनेबल डिसेबल किया जा सकता है। ऐसे जो वो डायरेक्शन डी फ्लैग है 10 नंबर के ऊपर डायरेक्शन फ्लैग, इस बिट के ज़रिए से भी इसको वन या ज़ीरो रखा जा सकता है। तो वन के ज़रिए से अगर स्ट्रिंग ऑपरेशन होगा तो जो आपका एड्रेस है वो डिक्रीमेंट होगा, हर आपकी रीड राइट के साथ आपका एड्रेस डिक्रीमेंट होगा, और अगर ज़ीरो होगा तो फिर आपका एड्रेस इंक्रीमेंट होगा। अगर आपने मेमोरी से कंजेक्टिव आपकी ASCII करेक्टर्स को रीड करना है या राइट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या आपने बेस एड्रेस से प्लस 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 करके ऊपर जाना है या बेस एड्रेस से माइनस 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 करके नीचे आना है। तो ये आपके डायरेक्शन फ्लैग में अगर वन रखा होगा तो आपके एड्रेसेस जो है वो डिक्रीमेंट होंगे, और ज़ीरो रखा होगा तो आपके एड्रेसेस जो है वो इंक्रीमेंट होंगे। तो ये तीन फ्लैग बिट्स ऐसी हैं जो यूज़र प्रोग्रामेबल हैं, और इनके ज़रिए से तीन डिफरेंट तरह के ऑप्शंस को इनेबल डिसेबल किया जा सकता है। तो ये आपके नौ फ्लैग्स वो थे जो बेस माइक्रोप्रोसेसर 8086 में मौजूद थे, और फिर जब 286 डेवलप हुआ तो उसके साथ जो कुछ अजाफी फीचर्स जो है वो डेवलप हुए उनके लिए अजाफी 12, 13 और 14 नंबर के जो फ्लैग बिट्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया। ये जो आपकी 12, 13 बिट के ऊपर है ये दो आपकी बिट्स हैं जिनका नाम है आईओपी, आईओ प्रिविलेज लेवल, आईओ प्रिविलेज लेवल। अब ये दो बिट्स हैं तो इन दो बिट्स का मतलब ये है कि इसमें 00011011 चार पॉसिबल ऑप्शन हैं, जिसमें से 00 जो है ये हाइएस्ट प्रायोरिटी कहलाएगी और जो 11 है ये आपकी लीस्ट ट्रस्टेड प्रिविलेज लेवल कहलाएगा। ठीक हो गया, तो
जो कोई भी यानी हम किसी भी यहाँ एप्लीकेशन के लिए जो प्रिविलेज लेवल है वो सेट करेंगे और जो भी एप्लीकेशन लॉन्च होगी उसमें भी एक डिस्क्रिप्टर का प्रिविलेज लेवल जो है वो डिफाइन किया जाएगा। तो वहाँ अभी हम जब डिस्क्रिप्टर की वहाँ तफसील पढ़ेंगे तो वहाँ फिर आपकी इसके साथ जो कंजक्शन है कि क्या इसके साथ टेस्ट होगा और क्या उसके ऊपर रिस्पॉन्ड होगा तो वो वहाँ आपके लिए साथ डिस्कस हो जाएगा। और आपका जो है वो एंटी जो है वो नेस्टेड टास्क है। नेस्टेड टास्क ये है कि अगर एक टास्क पहले से चल रहा है और उसके अंदर एक और जो है वो टास्क जो है वो इसके साथ इंट्रोड्यूस कराया गया तो उस सूरत में अगर नेस्टेड टास्क चल रहा है तो ये फ्लैग बिट वन हो जाएगी जो ये बता रही होगी कि ये नेस्टेड टास्क है। और जब नेस्टेड टास्क ख़त्म होकर दोबारा मेन टास्क शुरू हो जाएगा तो ये वाली बिट दोबारा ज़ीरो हो जाएगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोटेक्टेड मोड में इस बात की प्रोविजन मौजूद है कि एक टास्क फिर उसके बाद उसके अंदर नेस्ट करके दूसरा टास्क तीसरा टास्क जो है वो इनिशिएट करवाया जा सकता है। तो उस सूरत में ये वाली फ्लैग बिट जो है वो ये इंडिकेट कर रही होगी कि इस वक्त जो है वो एक नेस्टेड टास्क चल रहा है और ज़ीरो का मतलब है कि इस वक्त जो है वो मेन टास्क चल रहा है, नेस्टेड टास्क नहीं चल रहा है। इसी तरह से 14 के बाद फिर बिट नंबर 16, 17, 18, 19 के ऊपर मज़ीद जो है वो फ्लैग्स डेवलप किए गए। उन फ्लैग्स में जो है वो RF है, रिज्यूम फ्लैग। ये रिज्यूम फ्लैग जो है वो इसलिए है कि अगर जो है वो डिबगिंग कर रहे थे कंट्रोल के लिए तो उस सूरत में इस फ्लैग के ऊपर इंडिकेट करता है रिज्यूम के मेन प्रोग्राम के ऊपर एग्जीक्यूशन करने के बाद इंस्ट्रक्शन ने ज्वाइन कर लिया है। तो अगर जो है वो हम डिबगिंग मोड में जाते हैं और दोबारा डिबगिंग मोड से मेन प्रोग्राम में आ जाते हैं डिबगिंग ख़त्म करके तो ये रिज्यूम फ्लैग के ऊपर वन आता है जो ये बताता है कि इस वक्त हम मेन प्रोग्राम में वापस रिटर्न हो गए। उसके बाद जो VM है वर्चुअल मोड। वर्चुअल मोड ये है कि वर्चुअल मोड में ओवरऑल हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं और एक वक्त में एक से ज़्यादा जो है वो ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं प्रोटेक्टेड मोड के अंदर जाके। तो वर्चुअल मोड में एक तरह से अभी समझ रहे हैं कि आपकी जो DOS है, DOS प्रोग्राम है, उसकी मल्टीपल पार्टीशंस खुली हुई हैं और हर पार्टीशन जो है 1 MB की है जो कि एक वक्त में मेमोरी सिस्टम में को एग्जिस्ट करती है। तो उस सूरत में ये वर्चुअल मोड का जो फ्लैग है वो आपको ये ऑप्शन देगा कि वर्चुअल मोड में 1 डाल दें तो आप ये कर सकते हैं कि एक वक्त में एक से ज़्यादा DOS की एप्लीकेशंस खोल सकते हैं और वो एप्लीकेशंस आपकी मैक्सिमम 1 MB की होंगी जो एक ही वक्त में मौजूद रहेंगी। इसको आप ये देखें कि जिस तरह आजकल के भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अगर आपने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन खोल रखी है आपकी को एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन ये तो आपके नए सिस्टम्स के साथ है, लेकिन नए सिस्टम्स में जो आपका DOS का वर्जन 8086 वाला जिसमें ब्लैक बैकग्राउंड के साथ टेक्स्ट मोड में इंस्ट्रक्शन लिखी जाती जाया करती थी तो वो भी आप एक वक्त में कई जो है वो खोल सकते हैं। तो अगर वो कई एप्लीकेशन एक वक्त में खुली भी होंगी तो ये वर्चुअल मोड का फ्लैग जो है इसमें 1 होगा जो ये बताएगा कि इस वक्त एक से ज़्यादा एप्लीकेशन पैरेलल को एग्जिस्ट करती हैं और वो माइक्रो प्रोसेसर सबको एग्जीक्यूट कर रहा है। ऐसे जो अगला फ्लैग है वो AC है, अलायक ये है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि अगर डाटा का साइज़ 1 byte से ज़्यादा होगा, 2 byte का डाटा होगा तो वो आपका 2 memory locations में स्टोर होगा, 4 byte का डाटा होगा तो 4 memory locations में स्टोर होगा, और हम जब कभी भी उस डाटा को मेमोरी से रीड करेंगे तो उस सूरत में ज़रूरी होगा कि हम उस डाटा को मेमोरी में अलाइन रखें। अलाइन से क्या मुराद है? अलाइन से मुराद ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डाटा का साइज़ 4 byte है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ओवरऑल जो टोटल मेमोरी है वो 4 equal banks में डिस्ट्रीब्यूट होगी जिसमें आपका जो ओवरऑल समझें लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है वो लेट से पहले बैंक में होगी और फिर अगली बाइट अगले बैंक में होगी, अगली बाइट अगले बैंक में होगी और चौथी बाइट चौथे बैंक सूरत में जब आपने 4 byte का डाटा रीड करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम एड्रेस 0 से शुरू करते हैं तो 0, 1, 2, 3 ये आपकी 4 bytes एक रो में पड़ी होंगी, फिर उसके बाद 4, 5, 6, 7 ये आपकी अगली रो में पड़ी हुई होंगी और फिर उसके बाद 8, 9, 10, 11 ये उसकी आपकी अगली रो में पड़ी होंगी। तो उस सूरत में आपका जो बेस एड्रेस है आपका वो अलाइन होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ डाटा
चाहे वो 2 byte का हो, चाहे 4 byte का हो, चाहे 8 byte का हो, क्योंकि उस सूरत में ये होगा कि अगर डाटा अलाइंड होगा तो उस सूरत में आप एक ही गो में, एक ही बस साइकिल में 4 byte या 8 byte मेमोरी से रीड या राइट कर लेंगे। अदरवाइज अगर डाटा अलाइंड नहीं होगा फिर आपको एक से ज़्यादा बस साइकिल चलाने पड़ेंगे, तब वो डाटा जो है वो रीड या राइट हो सकेगा और ओवरऑल जो आप कह रहे कि मेमोरी एक्सेस है वो आपके सिस्टम को स्लो कर देगा अगर आपका डाटा मेमोरी में अलाइन नहीं है। तो ये जो फ्लैग है अलाइनमेंट चेक का, ये बताता है कि आपका जो वर्ड है ये डबल वर्ड है, 16 bit या 32 bit का डाटा है तो ये आपका अलाइन है या नहीं है। ठीक है, एक सूरत में अलाइंड होगा तो इसकी पोजीशन फॉर एग्जांपल 0 होगी, या नॉन अलाइंड होगा तो उसकी पोजीशन फॉर एग्जांपल 1 होगी। ऐसे जो VIF है ये वर्चुअल इंटरप्ट फ्लैग है। वर्चुअल इंटरप्ट फ्लैग जो है ये आपकी इंटरप्ट फ्लैग की एक तरह की कॉपी है जो कि वर्चुअल मोड में इस्तेमाल होती है फॉर द पर्पज ऑफ हैंडलिंग एक्सटर्नल इंटरप्ट, एक्सटर्नल इंटरप्ट को एनेबल करना है या डिसेबल करना है। और VIP जो है वो वर्चुअल इंटरप्ट पेंडिंग है, इज यूज्ड इन द मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट। और आखिरी जो है ID है आइडेंटिफिकेशन, विच इंडिकेट्स दैट द P1 to P4 माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट CPU ID इंस्ट्रक्शन। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है CPU ID जिसके जवाब में आपका जो प्रोसेसर का वर्जन नंबर है, मैनुफेक्चरर है, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर आ जाती है। तो ये आपका ID आइडेंटिफिकेशन फ्लैग है जो आपकी इस पोर्ट को इंस्ट्रक्शन के लिए जो अगर हो तो उस माइक्रो प्रोसेसर का वर्जन नंबर, सीरियल नंबर, मैनुफेक्चरर एक्सेट्रा, ये इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। इस सारे फ्लैग रजिस्टर की डिस्क्रिप्शन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। क्यों भाई, एनी क्वेश्चन? लगता है सारे सो रहे हैं। जाग जाओ। सो सर। नो सर। जाग गए। ओके, पिछले एक घंटे से हम जो डिस्कस कर रहे थे ये उसका खुलासा लिखा हुआ इस वक्त आपको नजर आ रहा है, मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन बाय द डॉस, कि टोटल जो आपकी 1 mega की मेमोरी है उसमें से बॉटम का जो 1K है वो आपके इंटरप्ट वेक्टर्स के लिए है, फिर आपके जनरल पर्पस मेमोरी है जिसमें आपका TPA भी है, जिसमें आपका सिस्टम एरिया भी है, और आपका जो रीसेट एड्रेस है वो 4F और 0s हैं। ठीक हो गया, तो ये सिर्फ एक खुलासे के तौर पे इस डायग्राम में, इस पेज के ऊपर आपको बताया कि हमने अब तक जो डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया। ठीक है, अब अगली चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जो हमारा ये जो है ये बैंक्स का जिक्र था कि अगर हमारा 8 bit का डाटा होगा तो उस सूरत में तो आपका मेमोरी का एक ही बैंक होगा, लेकिन अगर 8 bit से ज़्यादा का डाटा होगा तो फिर आपको 8-8 bit के पैरेलल बैंक्स बनाने पड़ेंगे। तो जिस तरह 8086 है तो इसमें आपका जो है वो 2 banks होंगे, आपको उस वक्त डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो आपकी डाटा बस 16 bit की है और 16 bit में जो आपके बॉटम के D0 से D7 तक की लाइन्स हैं इसके ऊपर आपका एक पूरा बैंक है जिसमें आपके 512K जो है वो आपकी मेमोरी का साइज होगा, और D8 से लेकर D15 तक अगली बाइट है जिसके ऊपर आपकी अगली जो है वो रिमेनिंग जो मेमोरी है टोटल वो आपकी प्लेस होगी। तो कुल आपकी 1 mega की मेमोरी होगी, उस 1 mega की मेमोरी को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे तो 512 kilobyte आपके लो बैंक में होंगे और 512 kilobyte आपके हाई बैंक में होंगे। और एड्रेसेस के हिसाब से चलें तो आपकी बिल्कुल बॉटम में जो सबसे पहली बाइट है एड्रेस नंबर 0 के ऊपर ये आपकी लो बैंक में होगी और एड्रेस नंबर 1 आपका हाई बैंक में पड़ा हुआ होगा। तो आप जब भी कभी रीड राइट करेंगे 16 bit का डाटा तो वो आपका 0 number byte और 1 number byte से वो गोया इकट्ठा रीड होके आएगा। ऐसे 2 address के ऊपर होगा तो 2 number byte और 3 number byte ये पैरेलल रीड होके आएगी, ये राइट होगी। तो आपके जो इवन एड्रेसेस है वो आपके राइट साइड पे आ जाएंगे जिसको हम कहेंगे लो बैंक, या इवन आपके लेफ्ट साइड पे जो है वो ऑड एड्रेसेस आ जाएंगे जिसको आप कहेंगे हाई बैंक या ऑड बैंक। तो टोटल आपका 20 bit का एड्रेस होगा जिसमें से आप किसी भी बैंक की कोई भी लोकेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका 8 bit के बजाय 16 bit का डाटा ऑपरेशन होगा तो उस सूरत में
अगर आपका डाटा ये इवन बैंक के ऊपर अलाइन होगा, उसका बेस एड्रेस इवन होगा, तो उस सूरत में एक बस साइकिल में दोनों बाइट्स रीड या राइट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका डाटा जो है वो ऑड बैंक के ऊपर अलाइन होगा, किसी ऑड एड्रेस के ऊपर अलाइन होगा, तो उस सूरत में 16 बिट के डाटा के लिए आपको दो बस साइकिल चलाने पड़ेंगे, तब आपका जो है वो दो बाइट का डाटा रीड होगा। अभी जो अलाइनमेंट चेक का हमने फ्लैग देखा था वो इसीलिए भी था कि जो है इस बात को इंश्योर किया जाए कि जो आपने डाटा मेमोरी में स्टोर किया है वो इवन एड्रेसेस के ऊपर है या अलाइंड एड्रेसेस के ऊपर है, ताकि आपके बस साइकिल सेव हो सकें और आपके एक बस साइकिल में एक वक्त में एक से ज़्यादा बाइट जो है वो डाटा बस के थ्रू रीड या राइट हो सके। ऐसे जहाँ आपका 32 बिट का डाटा होगा तो वहाँ आपके चार बैंक बन जाएंगे। मैंने डायग्राम नीचे बनाई नहीं है, लेकिन आपके फिर 0, 1, 2, 3 ये आपके चार बाइट्स होंगे पहली रो में, फिर उसके बाद जो है वो 4, 5, 6, 7 ये अगली रो में होंगे, तो वह चार बैंक्स जो है आपके इकट्ठे रीड या राइट हो सकेंगे। तो हमने जो मेमोरी टोटल होगी उसको बाइट वाइड अरेंज करना है, और जो भी आपका डाटा का बस का साइज होगा उसके हिसाब से डिवाइडेड बाई 8 करके उतने आपके बैंक्स में टोटल मेमोरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके अरेंज की जाएगी। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? कुछ हाँ हो कर दो ताकि मुझे लगे मैं दीवार से बात नहीं कर रहा। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। चलो दो आवाज़ें आ गई, कम से कम दो तो जाग रहे हैं ना, 70-80 में से दो जाग रहे हैं, तो चलो ये भी गनीमत है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो ये बताता है कि इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर्स में जो एड्रेसिंग स्कीम चेंज की गई वो क्या, क्योंकि इंटेल का ओरिजिनल 86 माइक्रो प्रोसेसर था उसमें जो एड्रेसिंग कैपेसिटी थी वो सिर्फ 1 मेगाबाइट की मैक्सिमम मेमोरी के लिए थी, जिसमें से जो आपका सेगमेंट रजिस्टर है वो बेस एड्रेस प्रोवाइड करता है और आपका जो ऑफसेट एड्रेस है वो साथ ऐड करके आपका जो फिजिकल 20 बिट का मेमोरी एड्रेस है वो कैलकुलेट होके एक्सटर्नल आपकी एड्रेस बस के ऊपर पोर्ट होता है और जिसके साथ मेमोरी कनेक्ट होती है और वो मेमोरी रीड या राइट हो जाती है। अब जब एड्रेस कैपेसिटी को इम्प्रूव किया गया तो उसके लिए जो आपका मेमोरी एड्रेस मैकेनिज्म था उसको कहा गया कि ये प्रोटेक्टेड मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग है। और अभी जब मैं आपको उसका प्रोग्रामिंग मॉडल जो है वो डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि जो सेगमेंट रजिस्टर का साइज है वो एक्सटेंड नहीं किया गया, वो 16 बिट ही का रखा गया और उन सेगमेंट रजिस्टर्स का रोल चेंज हो गया। रियल मोड में उन सेगमेंट रजिस्टर्स का रोल था बेस एड्रेस का, लेकिन प्रोटेक्टेड मोड में उन सेगमेंट रजिस्टर्स का जो रोल है वो अब सिलेक्टर का बन गया। तो 286 एंड अबव जो कि 1 मेगा से ज़्यादा मेमोरी एरिया एड्रेस कर सकते हैं उसमें प्रोटेक्टेड मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग जो है वो गोया इंट्रोड्यूस करवाया गया। प्राइमरली जब माइक्रो प्रोसेसर बूट होता है, स्टार्ट होता है, तो वो आपका रियल मोड में होता है, फिर उसका प्रोटेक्टेड मोड गोया एनेबल किया जाता है तो वो माइक्रो प्रोसेसर फिर प्रोटेक्टेड मोड में गोया शिफ्ट हो जाता है और उसमें फिर सेगमेंट रजिस्टर्स का रोल चेंज हो जाता है। अब सेगमेंट रजिस्टर का रोल जो है वो बेस एड्रेस के बजाय सिलेक्टर का बन जाता है और 16 बिट की वैल्यू में से 13 बिट्स जो है वो सिलेक्ट के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। और 13 बिट्स का मतलब है कि 2^13, तो कौन बताएगा 2^13 कितना होता है भाई? 2^13 कितना होता है? कौन बताएगा 2^13 कितना होता है? बहुत मुश्किल सवाल है क्या? डीएलडी का सवाल है। 2^13 कितना हुआ? एनीवन? सर 18 के 8 के, ठीक है। 2^10 क्या हुआ? 1 के। और 3^3 क्या हुआ? 8। तो 8 के 8192, ठीक हो गया। तो गोया एक सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू के जरिए से
8192 सेलेक्टर्स में से एक सेलेक्टर मुंतखिब किया जा सकता है, ठीक है, और हर सेलेक्टर के ज़रिए से मेमोरी में से एक डिस्क्रिप्टर 8 बाइट का वो सेलेक्ट होके लोड होके मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर में पहुंच जाएगा। जब कभी भी हम सेगमेंट रजिस्टर में एक नई वैल्यू स्टोर करेंगे तो सेगमेंट रजिस्टर की 16 बिट्स में से 13 बिट्स इसके सेलेक्टर नंबर को आइडेंटिफाई करेंगी और वो सेलेक्टर नंबर जो है वो 8192 गोया उसके सेलेक्टर्स बनेंगे और हर सेलेक्टर के कोरस्पोंडिंग एक मेमोरी में से 8 बाइट का डिस्क्रिप्टर चूज होके सेलेक्ट होके रीड होके मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर में पहुंच जाएगा और वो जो 8 बाइट का डिस्क्रिप्टर होगा इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ आपको डायग्राम में नीचे 2 टेबल दिख रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन उस 8 बाइट के डिस्क्रिप्टर के अंदर मौजूद होगी। 286 में जो कैपेसिटी थी वो डेवलप की गई थी, वो सिर्फ डेवलप की गई थी 16 मेगाबाइट के लिए। तो उस सूरत में 16 मेगाबाइट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी एड्रेस की मैक्सिमम साइज थी वो 24 थी, तो 2^24 आपके 16 मेगाबाइट के एड्रेस स्पेस को एड्रेस कर सकते हैं। तो 286 के केस में जो आपके ये 8 बाइट के डिस्क्रिप्टर्स था उसमें आप देखें जो टॉप में बाइट नंबर 6 और बाइट नंबर 7 है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, वो 00 है, और सिर्फ जो आपकी 6 बाइट्स हैं बाइट नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है। जबकि 386 एंड अबव के लिए जो डायग्राम है वो राइट साइड पे है, तो यहाँ आप देखें कि 8 की 8 बाइट के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन मौजूद है, जिसमें आप देखें तो आपको सबसे नीचे बॉटम पे नज़र आएगा बाइट नंबर 0 राइट साइड पे लिखा हुआ है और लेफ्ट पे लिखा है बाइट नंबर 1, तो ये 2 बाइट में आपकी लिमिट की इंफॉर्मेशन है L0 से लेके L15 तक, और फिर बाइट नंबर 2 और बाइट नंबर 3 के ऊपर आपका लिखा हुआ है बेस एड्रेस B0 से लेके B15 तक, फिर बाइट नंबर 4 में लिखा हुआ है आपका बेस एड्रेस B16 से लेके B23 तक, और आखिरी बाइट नंबर 7 के ऊपर आपका लिखा हुआ है बेस एड्रेस B24 से लेके B31 तक। तो 8 बाइट्स में से बाइट नंबर 2, 3, 4 और 7 इन 4 बाइट्स में मिला के आपका 32 बिट का फिजिकल एड्रेस मेंशन किया गया है। तो ओवरऑल आपकी 4 गीगाबाइट की मेमोरी हो तो उस 4 गीगाबाइट की मेमोरी में से ये आपका 4 बाइट का जो बेस एड्रेस है वो ये बताएगा कि ये एप्लीकेशन मेमोरी में किस बेस एड्रेस के ऊपर सेव की गई है। तो ये आपकी 32 बिट का बेस एड्रेस की इंफॉर्मेशन यहाँ से डायरेक्टली निकल आएगी। फिर इसके बाद आपकी बाइट नंबर 0 और 1 के ऊपर लिमिट की 16 बिट्स हैं और ऊपर आप देखें तो बाइट नंबर 6 के ऊपर लिमिट की 4 बिट्स और मौजूद हैं L16 से लेके L19 तक, तो गोया 0 से लेके 19 तक, तो ये आपकी 20 बिट की लिमिट की आपकी बिट्स हैं जो ये बताएंगी कि ये एप्लीकेशन जो मेमोरी में सेव की गई है इसकी रेंज क्या है, इसका साइज क्या है, मेमोरी के स्टार्टिंग एड्रेस से लेके तो मैक्सिमम ये मेमोरी के किस एड्रेस तक या मेमोरी के अंदर जो है इसका साइज एप्लीकेशन का ये कितना है। और इस लिमिट के जो है वो 2 मोड्स हैं, ये आप देखें तो 6 नंबर बाइट के अंदर आपको लेफ्ट साइड पर नजर आएगा G, D, 0 और AV, ये आपकी 4 बिट्स हैं जिनमें एक पर तो 0 है लेकिन 3 बिट्स के अंदर G, D और AV है। इसमें जो ये G है ये जो है आपकी ग्रेनुलैरिटी बिट है, ये ग्रेनुलैरिटी बिट जो है वो ये बताती है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो लिमिट के वर्सेस वो साइज में लीनियर है या मल्टीप्लाइड बाय 12K है, लीनियर है या मल्टीप्लाइड बाय 12K है। अगर G बिट के अंदर 0 हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी लिमिट लीनियर है,
लीनियर का मतलब ये है कि अगर आपका 20 बिट का लिमिट का स्पेस है तो आपके 20 बिट के लीनियर वैल्यूज, और लीनियर वैल्यूज का मतलब ये है कि 0 से लेकर 2^20 तो आपकी एप्लीकेशन का साइज 1 MB तक हो सकता है अगर इन लिमिट्स की तमाम बिट्स में ऑल वंस हो तो। तो अगेन आपकी पहली लिमिटेशन तो यही ख़त्म हो गई कि जो रियल मोड में थी कि किसी एप्लीकेशन में भी आपका जो एप्लीकेशन साइज़ है वो 64K से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब इस केस में कम से कम भी आपका 1 MB तक का एप्लीकेशन का साइज़ इस लिमिट के ज़रिए से मेंशन किया जा सकता है। और अगर ये जो जी बिट है जिसका नाम ग्रेनुलरिटी बिट है इसके अंदर 1 होगा तो उस सूरत में जो लिमिट है वो गोया 12K से मल्टीप्लाई होगी और हर नंबर जो है वो एक नंबर वो गोया 12K के बराबर होगा। 2 होगा तो 12K प्लस 12K 24K के बराबर होगा। तो अगर ये ऑल वंस होंगे तो ये 1 MB को बताएंगे और 1 MB इंटू 12K इट कम्स आउट टू बी 4 GB। तो गोया आपकी एप्लीकेशन जो है वो एंटायर मेमोरी को भी कवर कर सकती है अगर वो 4 MB की एंटायर मेमोरी किसी एप्लीकेशन के लिए अगर अलॉट की जाए। तो दो इन्फॉर्मेशन हो गई, एक बेस एड्रेस की हो गई कि 32 बिट का बेस एड्रेस क्या है जहाँ ये एप्लीकेशन मेमोरी में सेव है, और आपका 20 बिट का लिमिट है जो ये बताता है कि इस एप्लीकेशन का साइज मेमोरी में क्या है। अगर एप्लीकेशन का साइज 1 MB तक हो तो हम इस लिमिट को लीनियर जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं, और अगर इस एप्लीकेशन का साइज 1 MB से ज़्यादा हो अप टू 4 GB तो हम इसको नॉन लीनियर या जी बिट को 1 रख के एक्सपेंड कर सकते हैं विद मल्टीप्लाई बाय 12K। और मल्टीप्लाई बाय 12K का मतलब ये है कि जो भी आपकी लीनियर वैल्यू है इसके साथ 12 ज़ीरोज़ राइट साइड पे अपेंड कर दें, 12 ज़ीरोज़ राइट साइड पे अपेंड कर दें। 10 ज़ीरोज़ का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई बाय 1K हो गया, और मज़ीद जो आपके 2 ज़ीरोज़ हैं इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई बाय 12K हो गया। तो ये आपका 12K से मल्टीप्लाई होके लिमिट की वैल्यू बन जाती है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके 5 नंबर के ऊपर जो है वो एक्सेस राइट की एक जो है वो बाइट है। अभी इसको आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे कि इस बाइट के ज़रिए से इस डिस्क्रिप्टर की क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोग्राम होती है। अभी मैंने जितनी बात कही इसमें से कोई जो बात समझ में ना आई हो मुझसे पूछ लें। जी अभी तक जितनी बात आपसे हुई है इसमें से कोई बात समझ में ना आई हो तो वो पूछ लें, फिर अगली बात करते हैं। क्यों जी नो सर ओके। अब पहली बात तो ये हो गई नंबर 1 कि प्रोटेक्टेड मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग में आपके सेगमेंट रजिस्टर का रोल चेंज हो गया, और अब सेगमेंट रजिस्टर बेस एड्रेस नहीं बता रहा बल्कि वो सिलेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, और हर 16 बिट में से 13 बिट का जो वैल्यू है वो आपका एक सिलेक्टर को सिलेक्ट, और हर सिलेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग 8 बाइट का डिस्क्रिप्टर मेमोरी में पड़ा हुआ होता है, और उसमें से उस 8 बाइट की जो वैल्यू है वो आपकी उस एप्लीकेशन के वर्सेस 32 बिट का बेस एड्रेस बताती है, 20 बिट की लिमिट बताती है, और एक्सेस राइट और कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो, ठीक हो गया। और फिर अगली बात ये है के डिस्क्रिप्टर्स जो हैं वो मेमोरी में 2 डिस्क्रिप्टर टेबल्स जो है वो अरेंज किए गए हैं, 2 डिस्क्रिप्टर टेबल्स जो है वो अरेंज किए गए हैं। एक को कहते हैं ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल और एक को हम कहते हैं लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि सेगमेंट रजिस्टर में से 13 बिट्स तो सिलेक्टर नंबर बताएंगी और 1 बिट जो है वो ये बताएगी कि दोनों डिस्क्रिप्टर टेबल्स में से कौन सा डिस्क्रिप्टर टेबल, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल या लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी 8192 ग्लोबल डिस्क्रिप्टर्स हो सकते हैं और 8192 लोकल डिस्क्रिप्टर्स हो सकते हैं।
और टोटल दोनों को मिला के आपके 16,000 आपके 16,000 प्लस जो है वो टोटल डिस्क्रिप्टर्स हो सकते हैं. इसका मतलब ये है कि आप एट द मैक्स 16,000 डिफरेंट एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हैं इस मेमोरी सिस्टम के अंदर. जितनी बात मैंने जबानी कही थी यहाँ ये फिक्रों के अंदर मैंने लिखी हुई है कि ओवरऑल दो तरह के डिस्क्रिप्टर टेबल्स हो सकते हैं, ग्लोबल और लोकल. और हर डिस्क्रिप्टर के अंदर 8 byte की इंफॉर्मेशन है जो कि किसी भी एप्लीकेशन का बेस एड्रेस, लिमिट, एक्सेस राइट्स और उसकी कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बताती है. ठीक हो गया. अब ये जो डिस्क्रिप्टर टेबल्स हैं ये भी मेमोरी के अंदर सेव किए जाते हैं, मेमोरी के अंदर सेव किए जाते हैं. जितनी एप्लीकेशंस होंगी उतने डिस्क्रिप्टर जो है वो पॉपुलेट होते जाएंगे और हर डिस्क्रिप्टर का साइज 8 byte होगा. तो आप में से मुझे कौन बताएगा कि अगर फॉर एग्जांपल सारे के सारे ग्लोबल डिस्क्रिप्टर्स को डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर जो है वो प्रोग्राम करना हो तो इस टेबल को मेमोरी में सेव करने के लिए कितनी मेमोरी स्पेस चाहिए होगी? आप में से कौन मुझे बताएगा? 8192 8 के डिस्क्रिप्टर्स हो सकते हैं एक डिस्क्रिप्टर टेबल में और हर डिस्क्रिप्टर का साइज 8 byte है. तो टोटल मेमोरी की अगर सारे डिस्क्रिप्टर्स जो है वो प्रोग्राम किए जाए तो कितनी मेमोरी की स्पेस जो है वो चाहिए होगी? कौन बताएगा? सिर्फ माइक वो खोलो जिसने जवाब देना हो भाई साहब. सर 64 KB मैंने बीच में लाइन लिखी भी, आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी तो आप देख लें कि ईच डिस्क्रिप्टर टेबल इज ऑफ साइज 64 KB इन मेमोरी जिसमें से 8192 डिस्क्रिप्टर है. जरा 8 हर डिस्क्रिप्टर का साइज है. इट कम्स आउट टू बी 64 KB. और अगर लोकल और ग्लोबल दोनों टेबल्स को मिला लें तो कम से कम मेमोरी की 64 KB प्लस 64 KB ये वो स्पेस होगी जो कि डिस्क्रिप्टर टेबल्स को मेमोरी में रखने के लिए चाहिए होगी. लेकिन जाहिर है मैक्सिमम कैपेसिटी है. अब आपकी 2, 10, 20, 50, 100 जितनी एप्लीकेशन चल रही हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उतने डिस्क्रिप्टर्स जो है आपके पॉपुलेट होंगे और उनमें उन एप्लीकेशन के वर्सेज उनके बेस एड्रेसेस, उनकी लिमिट और उनकी जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो इस डिस्क्रिप्टर के अंदर मौजूद होगी. ठीक है. ग्रैनुलैरिटी बिट का मैंने तस्करा कर दिया कि लिमिट जो है वो लीनियर होगी या मल्टीप्लाइड बाय 12 की होगी. इट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रैनुलैरिटी बिट. 0 का मतलब ये है कि लिमिट लीनियर है और 1 का मतलब ये है कि लिमिट जो है वो 4K से मल्टीप्लाई हो रही है, 4K से मल्टीप्लाई हो रही है, जिसका मतलब ये है कि 12 जीरोज जो है वो आपके लिमिट के साथ अपेंड हो रहे हैं. और डी बिट जो है आपकी ये इंडिकेट करती है कि हाउ 386 to P4 instructions access the register and memory data in protected mode or in real mode. D0 का मतलब ये है कि instructions 16 bit की हैं, compatible to 86. और D1 का मतलब ये है कि instructions जो है वो 32 bit की हैं, compatible to 386 and 486 and above microprocessors. ठीक हो गया. तो by default 32 bit instruction mode assumes that all the offset addresses are 32 bit wide. और अदरवाइज जो आपका ऑफसेट एड्रेस है वो 16 बिट वाइड है क्योंकि आपका जो EAX, EBX और आपके 32 बिट के जो रजिस्टर्स हैं ख़ास तौर पे ऑफसेट वैल्यू में आपके जो इस्तेमाल होंगे तो बेस एड्रेस में अगर 32 बिट का ऑफसेट ऐड होगा तो वो आपकी एंटायर जो 4 GB की स्पेस है उसको आपको एड्रेस करवा देगा. तो एड्रेस मैकेनिज्म ये होगा कि बेस एड्रेस होगा जो कि आपका डिस्क्रिप्टर से आएगा और आपका ऑफसेट रजिस्टर होगा जो आपका 5 register जो लास्ट मॉडल में देखे थे हमने अभी तो उनके एक्सटेंडेड वर्जन होंगे जो 32 बिट के वर्जन हैं तो वो आपके बेस एड्रेस में ऐड होके नेक्स्ट 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 जो लोकेशन है उसको मेमोरी से एक्सेस करवाएंगे. जी 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 तो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जब आपका
8086286 था, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम था डॉस वो भी 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो डॉस और विंडोज 3.1 ये आपके 16 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम थे, और फिर विंडो 95 एंड अबव जितने आजकल माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं ये आपके 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो 32 बिट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एवी बिट जो है वो इज यूज्ड बाय सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू इंडिकेट दैट द सेगमेंट इज अवेलेबल और नॉट। वन का मतलब है कि अवेलेबल है और जीरो का मतलब ये है कि सेगमेंट मेमोरी का अवेलेबल नहीं है। ये तो वो बिट्स हो गई जो कि आपकी लिमिट के साथ जी डी और एवी तीन बिट्स थी। एक आपकी पांच नंबर की जो बाइट थी वो एक्सेस राइट बाइट थी। इस एक्सेस राइट बाइट में जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपके सामने इस वक्त आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। आठ बिट हैं और आठ बिट में जीरो से लेके सेवन तक, तो ये आप देख लें कि ए डब्ल्यू आर ई बी सी ई एस डी पी एल पी, ये इसकी डिफरेंट बिट्स हैं। इनमें जो राइट मोस्ट बिट है वो ए है, विच इज के जीरो का मतलब ये है कि सेगमेंट इज नॉट एक्सेस्ड, और वन का मतलब है कि सेगमेंट हैज बीन एक्सेस्ड। तो अगर ये डिस्क्रिप्टर अभी तक एक दफा भी लोड नहीं हुआ तो ए बिट के अंदर जीरो होगा, और अगर एक दफा भी लोड हो गया और मेमोरी में आके इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एप्लीकेशन थी वो चला ली गई तो ये ए बिट जो है वो वन हो जाएगी, विच विल टेल कि ये सेगमेंट ये डिस्क्रिप्टर एक दफा कम से कम एक्सेस हो चुका है। और इसी जीरो बिट के साथ जो लेफ्ट साइड पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसका नाम है पी, और पी के अंदर जीरो और वन का मतलब ये है कि जीरो मीन्स कि दिस डिस्क्रिप्टर इज अनडिफाइंड, यहाँ पे इसकी जो आठ बाइट की इंफॉर्मेशन है ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। और इस बिट के अंदर वन का मतलब ये है कि डिस्क्रिप्टर कंटेन्स ए वैलिड इंफॉर्मेशन, वैलिड डेफिनेशन ऑफ द बेस एंड लिमिट एंड ऑल द इंफॉर्मेशन। तो इस बिट के अंदर वन का मतलब ये है कि दिस डिस्क्रिप्टर इज properly defined और इसकी corresponding जो base address और limit और जो दूसरी values हैं वो सारी की सारी up to date हैं और ये valid descriptor है। ये दो bits तो ये हो गए जो बिल्कुल bottom के ऊपर और बिल्कुल top के ऊपर हैं। अब बीच में जो है वो 5 number और 6 number के ऊपर है DPL। DPL है descriptor privilege level। जी कोई पूछ रहा है कुछ, किसी ने कुछ पूछा भाई? ओके तो ये डीपीएल जो है ये डिस्क्रिप्टिव प्रिविलेज लेवल है, और अगेन इसकी दो बिट्स हैं लिहाजा इसकी वैल्यू 0001 और 11 चार वैल्यूज हो सकती हैं। तो 00 इज द हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल और 11 इज द लोएस्ट प्रिविलेज लेवल, ठीक हो गया। अब ये आपको प्रिविलेज लेवल के ऊपर तीन चीजें नजर आएंगी। एक आपका ये DPL है जो आपकी एप्लीकेशन के साथ अलॉट होगा कि इस डिस्क्रिप्टर का प्रिविलेज लेवल क्या है, और नीचे आप देखें तो सेगमेंट रजिस्टर की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई हुई है। तो सेगमेंट रजिस्टर में आप देखें कि 16 बिट्स में से जो टॉप की मोस्ट सिग्निफिकेंट 13 बिट्स हैं ये आपकी सिलेक्टर नंबर के लिए, जिससे मैंने आपसे कहा कि 2^13 8192 selectors can be selected, उनमें से एक नंबर सेलेक्ट किया जा सकता है। इसके आगे जो दो नंबर बिट है दिस इज T1 बिट विच टेल्स अस के आपका ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल जो है वो एक्सेस होगा या आपका लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल एक्सेस होगा। तो दो आपके डिस्क्रिप्टर टेबल हो सकते हैं, उनमें से कौन सा डिस्क्रिप्टर टेबल होगा और उसके अंदर से कौन सा सिलेक्टर जो है वो कौन से नंबर का डिस्क्रिप्टर जो है वो एक्सेस किया जाना है। और जो बिल्कुल राइट पे दो बिट्स हैं 0 और 1 ये आपका RPL है, रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल। अब गोया ये होता है कि जब एप्लीकेशन जो है हम सेगमेंट रजिस्टर के जरिए से लॉन्च करते हैं तो हम इस एप्लीकेशन के ऊपर एक प्रिविलेज लेवल जिसको RPL रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल है वो मार्क करते हैं, और अगेन इसकी वैल्यू भी 0001 1011 हो सकती है। अब जब ये एप्लीकेशन लोड होगी तो ये RPL की वैल्यू और DPL की वैल्यू अगर सेम होंगी तो एक्सेस विल बी ग्रांटेड, या अगर RPL की वैल्यू जो है वो हायर होगी विद रिस्पेक्ट टू द DPL देन टू एक्सेस विल बी ग्रांटेड, और अगर जो है ये इसके उलट होगा और RPL की वैल्यू जो है वो DPL से कम होगी तो उस सूरत में आपका सिस्टम जो है वो
प्रिविलेज वायोलेशन का मैसेज देगा मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में, और इसका इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कोई एक्शन लेना हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू लिया जा सकता है। तो रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल आपका बराबर होगा या ज़्यादा होगा DPL से, जो कि डिस्क्रिप्टिव प्रिविलेज लेवल है, तो आपकी एक्सेस भी ग्रांट होगी, आपकी एप्लीकेशन भी रन होगी, कोई एरर मैसेज भी नहीं आएगा। और तीसरी चीज़ इसके साथ, अगर आपको याद हो तो फ्लैग में आपका जो है वो प्रिविलेज लेवल की दो बिट्स भी थी, तो वो भी इसके साथ जो है वो इंडिकेशन में है और फ्लैग में उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पास हो जाती है। और इसके बाद चार नंबर बिट के ऊपर आपका एस है, ये बताता है कि सिस्टम डिस्क्रिप्टर है, या वन बताता है कि आपका ये कोड और डाटा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर है, ठीक है जी। और आपकी जो तीन बिट्स हैं, बिट नंबर 1, 2 और 3, इससे आपकी दो तरह की इंफॉर्मेशन निकलती हैं। आपकी एक इंफॉर्मेशन निकलती है E0 के साथ तीन नंबर बिट के ऊपर, और एक इंफॉर्मेशन निकलती है E1 के साथ। अगर E0 होगा तो उसका मतलब ये है कि इसके साथ जो बिट नंबर 1 और 2 हैं इनके ऊपर ED है और W है, ठीक है, ED है और W है, और वो आपका जो ऊपर ब्लॉक बना हुआ है उसमें इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। E0 के साथ डिस्क्रिप्टर डिस्क्राइब्स डाटा सेगमेंट, और उसके साथ ED0 और ED1 बताएगा कि सेगमेंट एक्सपेंड्स अपवर्ड अगर डाटा सेगमेंट हो, और ED1 के साथ सेगमेंट एक्सपेंड डाउनवर्ड अगर स्टैक सेगमेंट हो। और चूंकि डाटा सेगमेंट की बात हो रही है, लिहाजा जो W है ये 0 और 1 के साथ ये बताएगा कि दिस डाटा मे बी रिटर्न और मे नॉट बी रिटर्न। तो हम जो है वो इस सेगमेंट के जरिए से मेमोरी में डाटा राइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसकी परमिशन भी इस W बिट के जरिए से होगी। 0 का मतलब ये है कि हम नया डाटा राइट नहीं कर सकते, और 1 का मतलब ये है कि हम उस सेगमेंट में डाटा राइट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये तो डाटा सेगमेंट के साथ है। निचला जो ब्लॉक है वो कोड सेगमेंट के साथ है, और कोड सेगमेंट में राइट हमने करना ही नहीं होता, इसलिए कि कोड सेगमेंट से हम जो यूज़र प्रोग्राम है उसको रीड कर रहे होते हैं, तो वहाँ हमें सिर्फ रीड करना होता है। तो उस सूरत में अगर E1 होगा तो सेगमेंट डिस्क्रिप्टर डिस्क्राइब्स कोड सेगमेंट, और कोड सेगमेंट के साथ आपकी जो नेक्स्ट दो बिट्स हैं 2 और 1 के ऊपर वो या C होंगी या R होंगी। तो C जो है वो कहता है कि इग्नोर DPL, और 1 कहता है कि अबाइड बाय द DPL। तो जो आपका डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल है उसको फॉलो किया जाए या ना किया जाए। तो C0 का मतलब है कि उसको फॉलो ना करें, और 1 का मतलब है कि उसको फॉलो करें। और फॉलो करने का मतलब ये है कि अगर जो है वो प्रिविलेज लेवल वायोलेट कर रहा है तो एक्सेस ग्रांट ना की जाए। और जो R है इसकी दो वैल्यूज हैं 0 और 1, तो 0 मीन्स कोड सेगमेंट मे नॉट बी रीड, और 1 मीन्स कोड सेगमेंट मे बी रीड। तो अगर जो है वो हमने इसको रीड प्रोटेक्ट करना है तो इस C के जरिए से कर सकते हैं। 0 का मतलब कि हम रीड नहीं कर सकेंगे, और 1 का मतलब है कि हम कोड सेगमेंट के थ्रू मेमोरी को रीड करके कोड को मेमोरी से प्रोसेसर में पहुंचा सकते हैं। तो हर डिस्क्रिप्टर का 8 बाइट का साइज होगा, जिसमें से 4 बाइट्स आपकी जो हैं 32 बिट वो आपकी बेस एड्रेस बताएंगी, 20 बिट्स आपकी लिमिट बताएंगी, और ये 8 बिट का आपका एक्सेस राइट का बाइट होगा जिसमें ये डिफरेंट जो है वो एक्सेस राइट्स डिस्क्राइब होंगी, और आपकी वो 3 बिट्स और होंगी G, D और AV। इसमें से अगर कोई सवाल अभी बाकी रह गया है तो वो पूछ लें, फिर अगली बात करते हैं। जी एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? नो सर, नो सर। ओके, अब आपके पास 6 सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, 4 तो एग्जैक्टली वही हैं जो कि आपके 86 के मॉडल में थे, और 2 इसमें और ऐड हुए हैं FS और GS। तो इन 6 सेगमेंट रजिस्टर्स में जब कभी भी सेगमेंट रजिस्टर में कोई नई वैल्यू राइट की जाएगी, जब कभी भी सेगमेंट रजिस्टर में कोई नई वैल्यू राइट की जाएगी, तो फौरन क्या होगा कि फौरन उस सेगमेंट की नई वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग सिलेक्टर सिलेक्ट होगा, और सिस्टम जो है वो मेमोरी में डिस्क्रिप्टर टेबल पे जाएगा, वहाँ से 8 बाइट का एक डिस्क्रिप्टर लोड करके प्रोसेसर के अंदर कुछ लोकेशंस होंगी, कैशे मेमोरी होगी, वहाँ लाके सेव कर देगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके 6 सेगमेंट रजिस्टर हैं एक वक्त में,
तो छह डिफरेंट डिस्क्रिप्टर्स आपके लोड होके प्रोसेसर के अंदर उस कैशे मेमोरी में मौजूद हो सकते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि उन छह सेगमेंट की वजह से छह एप्लीकेशंस या छह जो आपकी जिनके साथ उन डिस्क्रिप्टर्स को अटैच किया गया है, तो उनके 32-32 बिट के एड्रेसेस, उनकी लिमिट्स, उनके एक्सेस राइट, ये सारी चीज़ें प्रोसेसर के अंदर मौजूद होती हैं। और हर दफ़ा बेस एड्रेस के लिए मेमोरी में नहीं जाना पड़ता, बल्कि वो बेस एड्रेस जो है प्रोसेसर के अंदर ही मौजूद रहता है, और बेस एड्रेस में ऑफसेट वैल्यू ऐड होके फिजिकल मेमोरी जाता है, और उस एड्रेस के ऊपर से इंस्ट्रक्शन या डाटा जो है वो रीड करके लाया जा सकता है और राइट करा के स्टोर कराया जा सकता है। तो ये फिर आपके कुछ ना आपके कैशे या इनविजिबल आप कह लें कि प्रोसेसर रजिस्टर्स हैं जो हम और उसको इनविजिबल इसलिए कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस के जरिए से एक्सेसिबल नहीं होते, बल्कि इनडायरेक्टली सेगमेंट रजिस्टर के जरिए से वो मेमोरी से रीड होके आते हैं, और जब कभी भी सेगमेंट रजिस्टर की नई वैल्यू लोड होती है तो वो आपके पिछला डिस्क्रिप्टर गायब हो जाता है और नया डिस्क्रिप्टर मेमोरी से लोड होकर प्रोसेसर के अंदर आ जाता है। तो आपके अच्छी एक एग्जांपल भी की हुई है, अच्छा सर एग्जांपल को देख लें एक नज़र, उसके बाद फिर अगली जो नीचे बात लिखी हुई प्रोग्राम इनविजिबल रजिस्टर इनकी बात कर लेंगे। तो अगर हमने फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल शुरू यहाँ से हुई थी कि डिस्क्रिप्टर फॉर एग्जाम्पल ये सबसे आखिरी लाइन पढ़ें, Whenever a new word is written in any segment register, it goes to the descriptor table and fetches an 8-byte descriptor. For example, हमने data segment DS को 0008, ये आपका 16-bit का number है, ये हमने इसके अंदर जो है वो load किया। जब 16-bit का number हमने load किया तो क्या हुआ कि 16-bit के number के साथ एक selector select हुआ, उसका DPL select हुआ, वो जो आपका RPL है रिक्वेस्टेड प्रायोरिटी लेवल वो सिलेक्ट हुआ, और आपका डिस्क्रिप्टर टेबल सिलेक्ट हुआ कि ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है या लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल है, और उसके बाद फिर उसका 8-byte का मेमोरी से डिस्क्रिप्टर रीड होके प्रोसेसर के अंदर आ गया। फॉर एग्जांपल वो आपने ये देखे, ये जो डायग्राम इसमें आपको नज़र आ रहा है कि 0008 को अगर आप देखें तो ये आखिरी जो 8 है इसको जब एक्सपेंड करेंगे 4-bit में तो ये 1000 बनेगा, ठीक है, और ये 1 जो है वो 13-bit के साथ जोड़ के ये आपका डिस्क्रिप्टर नंबर 1 बन जाएगा, और जो ये थर्ड लास्ट 0 है या आपका T1 है तो 0 का मतलब ये कि आपका ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल एक्सेस होगा, और जो बॉटम के दो जीरोज हैं ये आपका RPL रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल है विच इज हाइएस्ट प्रिविलेज लेवल 00, ठीक हो गया। तो गया डिस्क्रिप्टर नंबर 1 जो है वो सिलेक्ट होगा, तो जो टेबल है उस टेबल में से फॉर एग्जांपल ये मेमोरी के अंदर ये डिस्क्रिप्टर नंबर 1 जो है वो मार्क हो रहा है, और जिसकी 8 bytes हैं 0, 1, 2, 3 से लेके 7 तक। तो फॉर एग्जांपल ये इंफॉर्मेशन जो आपकी ये FF00AB109E10 और 00 लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल ये 8-byte का डिस्क्रिप्टर मेमोरी में रखा हुआ था, ये वहाँ से रीड होके आ गया। तो अब इस बात को एलेबोरेट किया हुआ है कि इस 8-byte के डिस्क्रिप्टर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली। नंबर एक, ये डिस्क्रिप्टर मेमोरी में इस एप्लीकेशन के लिए इसका बेस एड्रेस क्या है, इसकी लिमिट क्या है, जिससे ये मालूम होगा कि मेमोरी में इसका एप्लीकेशन का साइज कितना है। तो अगर आप याद करें तो डिस्क्रिप्टर की जो डायग्राम थी उसमें बाइट नंबर 7, बाइट नंबर 4, बाइट नंबर 3 और बाइट नंबर 2, ये आपकी जो 4 bytes थी ये बेस एड्रेस बताती है। तो यहाँ से देखें कि आपका बेस एड्रेस जो है वो बाइट नंबर 7, 4, 3, 2 बनेगा, इसको आप आपस में इकट्ठा कर लें तो 0010AB00, ये आपका 32-bit का फिजिकल मेमोरी एड्रेस होगा जहाँ पे ये एप्लीकेशन मौजूद होगी। इसीलिए इसी के राइट साइड पे फिर मैंने मेमोरी का अगला पोर्शन दिखाया हुआ है जिसमें यह दिखाया हुआ है कि 0010AB00, तो ये आपका बेस एड्रेस होगा जहाँ पे ये एप्लीकेशन सेव की हुई होगी, ठीक हो गया। और उसके बाद लिमिट के लिए आप देखें तो ऊपर 6 number में जो है वो लोअर पोर्शन था 4 bits का, और बाइट नंबर 0 और 1 ये आपकी लिमिट्स की बिट थी, तो इट कम्स आउट टू बी 0000FF, और ये आपकी जो है वो 20-bit की वैल्यू है लिमिट की,
और इसके साथ जी बिट को देख लें तो जी बिट जीरो बनती है, लिहाजा ग्रेनुलरिटी बिट आपकी कहती है कि लिमिट आपकी लीनियर है। इसका मतलब ये है कि एफ एफ आपके आठ वंस हो गए, तो आठ वंस का मतलब ये कि 256 और 256 आपकी गोया इसकी मेमोरी में स्पेस होगी 256 बाइट की, तो बेस एड्रेस में 256 ऐड कर लें तो वो आपकी एंड एड्रेस होगा इस एप्लीकेशन के केस में। अगर ये आपकी जो ग्रेनुलरिटी बिट है ये जी जीरो के बजाय वन होती तो उस सूरत में 256 जो है ये 4 के मल्टीप्लाई होता और उस सूरत में इस एप्लीकेशन का साइज 1 मेगाबाइट मेमोरी में बनता, एड्रेस से लेके 1 मेगाबाइट तक की जो एड्रेस स्पेस थी वो इस एप्लीकेशन के लिए गोया फिक्स की जाती है, अलॉट की जाती है। और फिर आपका आगे जो एक्सेस राइट बाइट है उसको एलेबोरेट किया हुआ है, वो बनता है 9E 5 नंबर बाइट, और 9E को आप जो है वो एक्सपेंड करके देख लें तो 1001 जो है वो 9 के लिए है और ई के लिए जो है वो 1110 है। तो ये आपकी 9E की एक्सपेंशन है, इसको आप खोल के देखें तो सबसे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहाँ 1 है, इट मीन्स कि ये डिस्क्रिप्टर आपका डिफाइंड है और राइट मोस्ट बिट के ऊपर 0 है विच इज़ नॉट एक्सेस, तो अब तक ये वाला डिस्क्रिप्टर एक्सेस नहीं हुआ था। और फिर 00 जो आपका RPL है तो आप देखें कि आपका जो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है वो उसमें भी RPL 00 है और ये जो DPL है ये भी 00 है, इट मीन्स कि इसका प्रिविलेज लेवल सेम है लिहाजा एक्सेस विल बी ग्रांटेड। और बाकी जो 3 बिट्स हैं वो 111 है, तो ये कोड सेगमेंट के बारे में है, इट कैन बी रीड और इट अबाइड्स द प्रिविलेज लेवल। तो ये आपका जो एक्सेस राइट का बाइट है ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है बताता है कि ये जो पूरा डिस्क्रिप्टर है इसका बेस एड्रेस क्या है, इसकी लिमिट क्या है, वो लीनियर है नहीं है। और AV के अंदर जो है वो 0 का मतलब अवेलेबल है और D के अंदर 0 है, इट मीन्स के 16-bit इंस्ट्रक्शन सेट को फॉलो करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस डिस्क्रिप्टर से निकल आई। ठीक हो गया। अगली बात जो मैं आपको बता रहा था वो ये बता रहा था कि जब भी हम कभी सेगमेंट रजिस्टर में कोई भी नई वैल्यू लोड करते हैं तो वो आपका 32-bit का जो 8-byte का जो डिस्क्रिप्टर है उसको लोड करके ले आता है। तो ये आपको जो है वो इस डायग्राम में दिख रहा है कि आपके 6 सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, तो हर सेगमेंट रजिस्टर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका 8 byte का जो गोया डिस्क्रिप्टर है जिसमें बेस एड्रेस भी है, लिमिट भी है, एक्सेस भी है। 32-bit का बेस एड्रेस है, 20-bit की लिमिट है, 8-bit का आपका एक्सेस है। ये सब के सब जो है वो मेमोरी के अंदर से लोड होके प्रोसेसर के अंदर जो इनविजिबल पोर्शन है कैश का वहाँ आके स्टोर हो जाते हैं। ऐसे ही 4 चीज़ें और हैं, एक टास्क रजिस्टर है, एक LDTR है, एक GDTR है और एक IDTR है। ये LDTR जो है वो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर है, GDTR जो है वो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर है और IDTR जो है वो इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर है। ठीक है। तो जब मेमोरी में आपने इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि मेमोरी में ये टेबल कहाँ सेव किया जाएगा। तो उसका बेस एड्रेस 32-bit का होगा जो ये बताएगा टेबल कहाँ पर है, और उसके बेस एड्रेस के ऊपर जितनी भी टेबल एंट्रीज होंगी उसके हिसाब से जो मेमोरी का एरिया है वो उसके लिए रिजर्व किया जाएगा। और अगर मैक्सिमम तमाम डिस्क्रिप्टर्स जो है वो प्रोग्राम किए जाएंगे तो उस सूरत में मैक्सिमम 64 KB की जो स्पेस है वो आपकी इस डिस्क्रिप्टर टेबल की डेफिनेशंस के लिए अवेलेबल होगी। अदरवाइज जितने डिस्क्रिप्टर पॉपुलेट होंगे उतनी मेमोरी की स्पेस जो है आपको उस टेबल के लिए मिल जाएगी। ऐसी GDTR जो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है उसके लिए भी आपका 32-bit का बेस एड्रेस होगा और 16-bit की आपकी लिमिट होगी जो आपके मैक्सिमम 64 KB की स्पेस को एड्रेस करेंगे और उसमें आपके 8192 डिस्क्रिप्टर्स की डेफिनेशन मौजूद हो सकती है। ऐसी जो आखिरी है वो IDTR है, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर। तो इंटरप्ट के लिए चूंकि जो इंटरप्ट की कैपेसिटी है वो 256 इंटरप्ट्स की है, तो 256 × 8 तो आपके जो है वो 11-bit का ये टेबल इसकी कैपेसिटी होगी जिसमें आपके 2 KB की एड्रेस स्पेस होगी जिसमें आपके 256 डिस्क्रिप्टर्स इंटरप्ट की हैंडलिंग के लिए रखे जा सके। ठीक हो गया। और एक बीच में जो है वो TR है, टास्क रजिस्टर विच होल्ड्स ए सिलेक्टर विच एक्सेस द डिस्क्रिप्टर दैट डिफाइंस ए टास्क। और टास्क आपकी वो चीज़ है जो मोर ऑफन प्रोसीजर है जिसको आप बार बार स्विच करते हैं। तो आप एक एप्लीकेशन को यहाँ रख सकते हैं जिसको बार बार नया डिस्क्रिप्टर लोड नहीं करना पड़ेगा, वो रेडिली अवेलेबल होगा, फ्यू माइक्रोसेकेंड्स के अंदर आपकी एप्लीकेशन को स्वैप कर देगा।
टाइम 11:30 बज गए हैं, आज के लेक्चर का टाइम हो गया, कुछ एक दो चीज़ें रह गई हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी आप ये याद रखें कि अब तक हमने जितना पढ़ा उसमें आपको मैंने एक असाइनमेंट पास की है कि पिछले 20 सालों में तकरीबन सन 2000 से लेकर 2020 तक जो आपके प्रोसेसर्स हैं, जो आपकी हार्ड डिस्क हैं, जो आपकी रैम्स हैं, उनमें जो इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं उनका जिस तरह का टेबल मैंने आपको दिखाया तो उस तरह का टेबल आपने बना के लाना है। ये वाली लेक्चर स्लाइड में अभी इस लेक्चर के फौरन बाद अपलोड कर देता हूँ, आपको टीम ही में आपको ये अपलोडेड मिल जाएगा। यहाँ से आपको इस टेबल की डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी, इसको आप वेब से ढूंढ के तो आपने असाइनमेंट अगले हफ्ते बना के लानी है इंशाल्लाह ताला। एनी क्वेश्चन सर? जो असाइनमेंट है वो हम एमएस वर्ड में टेबल ड्रा करके लिख सकते हैं क्योंकि वहां पर जरा इजी हो जाएगा। एमएस वर्ड में बना दें वो, उसका आप बेसिक पीडीएफ वर्जन बना दें उसकी, मैं आपकी जो है ना ये इसमें असाइनमेंट के अंदर आपकी वो प्रोविजन बना दूंगा, वहां आपने अपलोड करनी है। ओके सर, थैंक यू। अभी मैं दोनों काम करता हूं, ये जो लेक्चर स्लाइड है इसको भी अपलोड करता हूं और आपके असाइनमेंट के पोर्शन में आपके लिए असाइनमेंट 1 जो है उसका स्पेस बना देता हूं जिसमें आप अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह अगले एक वीक के अंदर। ओके सर, ठीक है जी। तो आज के लिए फिर अभी खुदा हाफिज़ करते हैं, इंशाल्लाह अगले भी फिर दोबारा मिलेंगे मंगल को सुबह 8:30 बजे, ठीक है जी। तो गुड बाय अप टिल दैट। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़ सर।